दो शादियां करने से पहले से रिलेशन ठीक नहीं था। अच्छा, खराब हो चुका था। हाँ, जब मैं घर भी रहता था तो वो इतना अच्छा बॉन्ड मेरा मम्मी से था ही नहीं, क्योंकि मेरे पापा ने माना ये कैसे नहीं घुस सकती, तो उस पे हाथापाई होगी, तो उस पे व्लॉग भी बना हुआ है। फिर मैंने इनको इनको चोटें ज्यादा लगी, उन्होंने बिना मतलब का केस कर दिया। फिर मुझे भी इनको एडमिट कर रखा था जबकि मैंने केस नहीं किया था कोई, तो फिर मेरे पे केस भी कर दिया था। पेरेंट्स ऐसी चीज होते हैं ना, वो बच्चों को सही भी रख सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। ट्राई कर रहे हैं कुछ, उसमें इन्वॉल्व जब बहन होने लग जाए ना तो उस घर में क्लेश होता है। क्लेश होते हैं और होना ही होना है। जब बहन शादी के बाद मायके में इन्वॉल्व करने लग जाए तो उस घर में क्लेश होता है। मैंने ये चीज अब फील की है। बहुत सारे रिश्तेदार ही थे, फैमिलीज तो थी ही नहीं, रिलेटिव थे, उन्होंने केस कर रखा था, मैंने इसको किडनैप करके रखा हुआ है, तो इसके बयान लिए गए, तो वहां पे कुछ ऐसी बातें भी होगी पता नहीं क्या। फिर मैंने झूठ बोलकर फ्लैट लिया कि मेरी एक ही वाइफ है, ये हमारी प्रूफ है, और ये जो है इसकी सिस्टर ऐसे आई हुई है, कोई बात तो हमें मिल गया। लेकिन रिलेटिव ने बता दिया आपने ऐसे लोगों को फ्लैट दे कर दी। अपलोड करने के बाद हमने कहा ठीक है भाई, सो गए। अगले दिन उठे फिर भी ध्यान नहीं दिया मैंने, तो दो दिन बाद मुझे मेल आती है, यू आर एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन। एक वीडियो से? हाँ, दो दिन बाद। वाओ। दो से तीन दिन बाद मुझे मेल आती है। मैंने देखा, मुझे यूट्यूब का ऐसा नहीं है, मैंने अब जानता तो था कि उसकी दो वाइफ ऐसे ऐसे कि मेरा केस भी सेम बन गया, लेकिन मेरा यूट्यूब का कोई प्लान नहीं था। तो इन्होंने बोला यार उन्होंने भी तो चैनल बना रखा है, हम बना लेते हैं। जय श्री राम, वेलकमिंग यू ऑल इन माई पॉडकास्ट शो रिवाइवल ऑफ सोल विद टैरो हिमानी। सो आज फिर से हम एक अमेजिंग सा पॉडकास्ट आप सभी के साथ लेकर आ चुके हैं। कहते हैं जिसने शादी का एक लड्डू खाया वो भी पछताया, और जिसने शादी का एक भी लड्डू नहीं खाया वो भी पछताया। तो मुझे समझ नहीं आता है जिसने शादी के दो दो लड्डू खाए उसका क्या हाल हुआ। तो प्लीज वेलकम करिए आज के हमारे स्पेशल गेस्ट का, जिसने शादी के दो दो लड्डू खाए हैं। तो उनसे पूछते हैं उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस, कैसी उनकी लाइफ चल रही है, किस तरह के हर्डल्स वो फेस करती है अपनी दो बीवियों के साथ। सो प्लीज वेलकम सनी राजपूत प्लस विद देयर टू वाइफ मानसी एंड रूप। हेलो सर, हेलो मैम, कैसे आप जी? हम बहुत बढ़िया, और आप बताइए जी कैसे? बस मजे में। आप आ गए तो हमारा दिन तो और अच्छा निकल जाएगा। नहीं नहीं, हम आपके पास आए हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। बस हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, बट पहले तो आप अपना इतना वैल्यूएबल टाइम हमारे लिए निकाला, उसके लिए थैंक यू सो मच सर। तो अभी हम शुरुआत करते हैं हमारी तरफ से, हाँ पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। तो सर पहले तो चलो आपके लिए बहुत लकी बात है कि आपकी टू वाइफ्स हैं, तो इसी से मैं एक शुरुआत करूंगी कि आपने वीडियो अपलोड करी थी एक अपनी लव स्टोरी की ऑफ द टू वाइफ्स, तो एक कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें भी उसमें गई है, पब्लिसिटी स्टंट था, एक रियलिटी थी कि जो आपने उसमें दिखाई है? ये टोटली रियलिटी आई इसमें। हमने वैसे मूवी भी बनाई है, हमने एक एक चीज जो भी पॉइंट था जहां से हमारा शुरू हुआ था यहाँ अब तक का, तो हमने एक एक चीज वहां पे बताई है। पब्लिसिटी स्टंट जो होता है ना, मेरे ख्याल से वो ज्यादा टाइम नहीं चलता। वो उसमें अगर हम वैसे कोई स्टोरी बोल दें तो बहुत से लोग होते हैं जो हमारी फैमिली में भी हमारे हेटर्स होते हैं, तो वो आ जाता है कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, तो ऐसा कुछ कोई सामने आया ही नहीं। जो ये हमारी एक एक चीज जो भी हमने बताई है सारी ट्रू थी। बिल्कुल सही है, मतलब है ना। तो अभी सेकंड पार्ट का लोग बहुत वेट कर रहे हैं, तो वो कब रिलीज कर रहे हो आप? ओके, सेकंड पार्ट का ऐसा है कि हमारा हमने ना थोड़ा डिले कर दिया, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी। प्रॉब्लम्स पहले ये आ गई थी कि बहुत सारे लोग बोलने लग गए कि हमारा रिवील मत करो, क्योंकि जिन लोगों ने हमें रोज सेकंड पार्ट में ही असली पंगा है। हाँ। असली पंगा सेकंड पार्ट में, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि वो हम तीन लोगों के इर्द गिर्द चल रही है स्टोरी, कि ऐसे ऐसे एक स्टोरी चल रही है, लेकिन उसके बाद हमें बहुत सारे लोगों ने अलग करने की कोशिश की। अच्छा। तो जिन लोगों ने अलग करने की कोशिश की उनका नाम तो हमने लेना है कि ऐसे ऐसे हुआ था। नाम नहीं लेना तो मतलब ऐसे ऐसे रिलेटिव ने ऐसे ऐसे स्टोरी, तो तभी हाँ वी क्लियर तो बतानी पड़ेगी ना। तो वो चीज जिन लोगों ने नेगेटिव चीजें की है तो वो लोग नहीं चाहते कि हमारा ऐसे सामने आए, लोगों को पता चले हमारा कुछ सच्चाई मत पता चले, क्योंकि उस वक्त क्या होता पुलिस आई थी हमारे पास। अच्छा, तो, जब आपने अपलोड कर दी थी वो वीडियो, मूवी अपलोड नहीं, जब हम टू सेकंड पार्ट बना रहे थे, अभी शूट कर रहे थे, हाँ, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि हमारा नहीं रिवील करना चाहिए, तो उसके लिए हमने वैसे परमिशन ले ली है। जो ट्रूथ होता है हम कर सकते हैं, जो रियलिटी है, और जो फेक होता है
तो वो हम नहीं बना सकते। फेक चीज पे मतलब बैन लग सकता है, जो रियलिटी है सच्चाई है उस पर कोई बैन नहीं लगता। तो हम वो चीज बनाएंगे, पहली मूवी में पहले पार्ट में कुछ फेक होता तो मे भी अभी तक बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन करके उसे डिलीट करवा देते, वो सारी रियल था। हमारी फैमिली तो हमारे साथ बोलते नहीं, रिलेटिव का भी नाम लिया गया उसमें, वो हमारे साथ बोलते नहीं। अगर कुछ फेक होता तो वो बोलते, वो आते या वो पुलिस के पास जाते या कुछ। तो वो सेकंड पार्ट के लिए गया, उसका शूट चल रहा है, आधी कंप्लीट हो चुकी है और आधी हम कर देंगे। All right, चलो मतलब जल्दी आने वाला है ना? जी हाँ जी, जरूर जरूर। So viewers को इंतजार है, अब जल्दी जल्दी आ जाए सेकंड पार्ट। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर अभी रिसेंटली कुछ वीडियोस आपकी बहुत वायरल हो रही हैं रिलेटेड टू योर फैमिली, जैसे कुछ इश्यूज आप दिखा रहे हो, कुछ आपकी वाइफ्स के साथ कुछ करा है आपकी फैमिली ने। सो इफ यू वांट टू टेल ऑडियंस कि एग्जैक्टली वो इशू क्या क्रिएट हो रहा है और किस वजह से आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है। वो एक्चुअल में क्या है कि जब हमारी मेरी दो शादियां हो गई थी, मेरी पूरी फैमिली ने मेरे साथ बोलना बंद कर दिया था यार। अच्छा। इनकी भी सेम, हम सब तीन अकेले ही हो गए, तो लोग हमारे साथ कोई भी टच में नहीं था। तो धीरे धीरे करके मम्मी पापा ने बोलना शुरू कर दिया, मेरे मम्मी पापा ने हम सबसे बोलना शुरू कर दिया। तो फिर उसके बाद जैसे बोलना शुरू कर दिया, तो मैंने गाड़ी वगैरह सब कुछ हमने अपनी मेहनत से तब तक ले चुके थे, उससे पहले हम सड़कों पे भी सोए हैं सब कुछ, वो स्ट्रगल हमने पार कर लिया था। तो उसके बाद फिर पापा मम्मी बोलने लगे, फिर मैंने मम्मी पापा को बोला कि ऐसा है कि मैंने ना घर लेना है, अभी मैं रेंट पे रह रहा हूँ तो मैं घर लेना चाहता हूँ अपना, तो मैं ऐसा मेरे पास इतने पैसे हैं वो लगा कर, ये छोटा घर है जो जितना हमारी मतलब गुंजाइश है हम ले सकते हैं, हम ले रहे हैं। तो वहाँ फिर फैमिली ने बोला, पापा ने बोला कि यार तू मत ले, थोड़ा टाइम रुक जा, मैं तेरे को मेरी गांव में ना मेरी 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है कि मेरे नाम से मतलब मुझे मिलनी है पापा से। ओके। तो पापा ने बोला कि मैं तेरे को तू 40-50 लाख दे देता हूँ। मैंने बोला नहीं यार अभी आप हो, आप अभी मत इतना कुछ सेल वगैरह तो नहीं करना, तो आप मुझे अगर देना चाहते हो आप मुझे 20% दे दो इसका जो आप बोल रहे हो, इतना दे दो मेरा उससे काम चल जाएगा, बाकी मैं डाउन पेमेंट कर दूंगा, हम जमीन क्यों बेचनी है। तो पापा ने बोला ठीक है। फिर पापा ने 3 महीने का टाइम लिया था कि मैं ऐसे ऐसे सेटिंग करके दूंगा। तो वो सेटिंग के चक्कर में रिश्तेदारों को पता चल गया। अच्छा। मेरे साथ मम्मी पापा के अलावा मेरी कोई बुआ फुफड़ मासी चाची जो भी रिलेटिव होते हैं कोई मेरे साथ बात नहीं करता, तो उनको जैसे पता चला तो उन्होंने किया प्लानिंग बनाई। और एक बात और बता दूं, मैंने वैसे अपने ऑडियंस को मेरी को पता जिन्होंने मुझे देख रखे हैं मेरे व्लॉग, तो मेरे मतलब जो पापा है मेरे भाई हैं, मेरे एक ताऊ जी थे, ताऊ जी की डेथ हो गई है, जो रियल ताऊ जी उनकी डेथ हो गई, तो उनकी जो मतलब वाइफ है उनकी शादी मेरे पापा से होगी थी, यानी कि हमारी मदर एक है लेकिन उनके जो मेरे ताऊ का बेटा और बेटी है वो मेरे ताऊ के हैं। अच्छा। पापा का अकेला मैं ही हूँ, तो हम एक तरह से 3 भाई-बहन हो गए। मम्मी हमारी एक है लेकिन उन ताऊ जी की डेथ होगी तो फिर उनसे कर दिया। बाद पापा से मतलब मैं अकेला ही हूँ पापा का। पर आपकी मम्मी के तो हाँ सेम है, मम्मी सेम है, मम्मी की फिर पापा से शादी होगी थी, तो वो ही पंगा पड़ गया कि वो भाई बहन शायद चाहते नहीं थे या जो भी उनके मन में होगा मुझे नहीं पता वो चाहते थे कि नहीं, लेकिन मुझे जो लगा मैंने वो अपना ओपिनियन किया क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बोलना स्टार्ट नहीं किया, मम्मी पापा ने कर दिया था। तो उसके बाद अभी फिर पंगा ये पड़ गया, 3 महीने बाद पापा ने मना कर दिया। तो मम्मी से क्या ऐसा है कि मम्मी से शायद मेरा 2 शादियां करने से पहले से रिलेशन ठीक नहीं था, अच्छा खराब हो चुका था। हाँ जब मैं घर भी रहता था तो वो इतना अच्छा बॉन्ड मेरा मम्मी से था ही नहीं, तो क्योंकि मम्मी का ज्यादा बॉन्ड मेरे भाई बहन से था। तो मेरा भाई आज भी मैं ऐसा अभी बहुत से लोग सोचेंगे कि यार ये बंदा अपनी फैमिली की बुराई कर रहा है या अच्छाई कर रहा है, नहीं ये चीजें बता रहा हूँ कि अगर जब क्या होता, मैंने 2 शादियां की है, मैं मुझे अब जब मेरे साथ ये हुआ मैं इस प्लानिंग में हूँ, आराध्या है हमारी बेटी, मानसी से भी बच्चे होने हैं, तो मैं ये चीज से आज डर गया हूँ कि कल को इन बच्चों में कोई प्रॉब्लम ना हो कि यार वो मेरी मम्मी वो है तो ये मेरी मम्मी है, ऐसा ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मेरे साथ वो चीज हो चुकी है पहले ही, पापा अलग अलग थे तो वो चीज मैं फेस कर रहा हूँ, तो मैं आज से ही डर गया हूँ कि वो चीज मेरे साथ ना हो, तो वो चीजें सोचता हूँ मैं कभी कभार। तो फिर उसके बाद मेरे भाई बहन ने मेरे साथ कभी कोई बातचीत रखी नहीं, ना कोई लिंक रखा। नहीं तो वो एक क्वेश्चन, आई एम सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बट आपकी वो रियल मम्मा है ना, तो वो कैसे आपके साथ रिलेशन तोड़ सकती हैं? यही चीज मैं इनसे भी पूछता हूँ, मैं बोलता हूँ अब इन दोनों में से भी कुछ के लोग हैं जब मम्मा लगा लो या कुछ इनसे बात करते हैं, हमसे वो पूरा खुल के नहीं बता सकते लेकिन वो बात करते हैं, मैं इनको फिर देखता हूँ यार तुम लोगों के भी मम्मी है या कोई भी, या छुप के बात कर लेते हैं, अरे एक मेरी मम्मा है यार, मैं उस चीज को लेके कभी इमोशनल हो जाता हूँ कि ऐसा क्यों, तो मम्मी से भी बात होती है, मैं हूँ तो यार चलो। तो उसके बाद फिर मम्मी ऐसा हुआ, फिर पापा को बोला कि पापा आपने बोला था अभी है तो बताओ, फिर पापा ने बोला ठीक है घर आ जाओ, तो मेरा भाई मेरी भाभी मम्मी पापा के साथ ही रहता है, तो मैं घर चला गया, हम सभी चले गए। तो वहाँ भाभी ने जो मेरे मतलब है तो कज़न ही है, चलो अब भाई भी है, तो उसने उसकी वाइफ जो मेरी भाभी है इससे झगड़ा शुरू कर दिया और इसको बोला तू घर में घुस कैसे गई, जबकि वो घर मेरे पापा ने बनाया,
जो उनके पापा का घर था मेरे ताऊ जी का, वो अलग है, वो थोड़ा छोटा है, पापा ने अपनी मेहनत से बड़ा बना लिया। तो बोलते तो घुस कैसे की? तो मैंने उनसे पूछा कि ये घर तो हमारा ही है ना, क्योंकि मेरे पापा ने बने, ये कैसे नहीं घुस सकती? तो उस पर हाथापाई होगी, तो उस पर व्लॉग भी बना हुआ है। फिर मैंने इनको चोटें ज्यादा लगी, उन्होंने बिना मतलब का केस कर दिया। फिर मैंने भी इनको एडमिट कर रखा था, जबकि मैंने केस नहीं किया था कोई, तो फिर मेरे पे केस भी कर दिया था। फिर केस में सोल्व आउट हुआ, उन्होंने हमसे कहा कि घर तोड़ दिया, ये तोड़ दिया। लेकिन पुलिस कानून होता है ना, जो मुझे, मैं उसका बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने सच का साथ दिया। और मैं कसम से बोलता हूँ, प्रूफ कर दे कि जो सामान टूटा है वो ऐसा नहीं कि हमने तोड़ा है। एक दो चीजें झगड़े में ऐसे टूटेंगे, कुछ चीजें उन्होंने खुद ही तोड़ दी। अच्छा, वो 1.5 लाख का बोलते थे, उसमें जो घर गाड़ी खड़ी है वो मेरे नाम से है, जो टूटी है गाड़ी भी टूट गई थी वो मेरे नाम से। मैं कहा मेरी गाड़ी के तो आप लोग मेरे से पैसे मांगते हो, मेरी गाड़ी लुटाओ ना, मुझसे मेरी गाड़ी के मुझसे पैसे। तो वो पुलिस ने सब कुछ देखा, उसके बाद पुलिस ने सही इंसाफ किया, और उसके बाद फिर मैं घर आ गया, वो केस सॉल्व आउट हो गया। मतलब उन्होंने देने नहीं थे पैसे, मतलब ये कट आउट कर दिया था। उसके बाद फिर मेरे पास नोटिस आता है कि भाई तू बेदखल है। और सबसे बुरा हमें इस बात का लगा कि अब जो इनके ब्रदर है, उनके जो पापा की प्रॉपर्टी थी वो सारी उनके नाम पे ही है, वो मेरे भाई के नाम से, वो इनके ब्रदर के नाम पे ही है जो उनके पापा की थी। अब जो इनके पापा वाली है वो उसमें भी अपना हिस्सा बोल रहे थे, हिस्सा नहीं बोल रहे, वो 100% ही बोल रहे हैं। तो इनकी बहन भी सभी दोनों। लेकिन मैं अमर को ये चीज का समझ नहीं आता कि लोग इतना मतलब कैसे वो कर देते हैं। अगर आप लोग यहाँ से लेना चाहते हो तो फिर इनका भी तो वहां से बनता है, क्योंकि मदर तो एक ही थी। ये चीज अगर मैं ये सच्ची बताऊं, एक पेरेंट्स ऐसी चीज होते हैं ना, वो बच्चों को सही भी रख सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। बिल्कुल सही। तो मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे बड़ी बात यही है कि आपके अगर पेरेंट्स सही हैं तो एक डिसीजन भी सही लेंगे फॉर द प्रॉपर्टी, फॉर द एवरीथिंग। बट अगर पेरेंट्स नहीं ले रहे ना तो फिर कलेश होना ही होना है। मुझे ना ये भी चीज एक कभी कभार मैं नोटिस किया, पहले मैं सबसे अपनी बहन को बहुत करता हूँ, था अब भी मन में तो होता ही है। मैं एक चीज नोटिस किया, जब ना घर के डिसीजन को, बहन की तो शादी होगी, उसको कोई सुख दो दुख पड़ता है, भगवान करे सुखी पड़े कि दुख पड़ता है, तो हम ऑलवेज अवेलेबल है। लेकिन जब इधर अपने भाई मम्मी पापा कुछ बाय कर रहे हैं कुछ, उसमें इन्वॉल्व जब बहन होने लग जाए ना, तो उस घर में क्लेश होता है। क्लेश होते हैं और होना ही होना है। जब बहन शादी के बाद मायके में इन्वॉल्व करने लग जाए तो उस घर में क्लेश होता है। मैंने ये चीज अब फील की है, क्योंकि एक बहन के हाथ में ही होता है कि मायके को खुश रखना और मायका बर्बाद करना, जो सही आपको हम बताएं। बिल्कुल, अपनी चलानी। कुछ ऐसी चीजें मैं देखते हैं, जैसे अब बहन कहीं जा रही है घूमने जा रही है, हमें खुशी हो जाती है। लेकिन जब हम भाई अपनी वाइफ को कहीं लेकर जा रहा है, वो जीजा के साथ कहीं जाते हैं, उनको खुशी, हमें भी खुशी होती है। मैं यार बच्चे घूमते, तो ऐसा तो वो चीजों पे हमारे झगड़े हो जाते थे पहले भी, तो वो चीजें शायद देखो नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। देखो जब शादी होगी तो आप अपने परिवार में हो, आपको ऑलवेज खुशियां मिले, तो कोई दिक्कत हो किसी को भी आ सकती है, उसमें हम ऑलवेज खड़े हैं। ठीक है, हमें कोई दिक्कत आती है, आप आओगे आप मेरी बहनों की, यार आपको भाई ये दिक्कत हो, ये मम्मा ये नहीं करना चाहिए, भाई यार ऐसे ऐसे सोल्व आउट करवाओ। लेकिन आप समझाओ नहीं, इसने ये कर लिया, उसने ये करा, यार दुनिया ने पता नहीं क्या कुछ कर लिया, आप लोगों ने एक बहाना ढूंढ लिया। आप ये भी बोल सकते थे कि इसने दो शादियां कर लिया, इसको जो हक बनता है इसके देखो पीछे कर दो इसे, खत्म करते कहानी। लेकिन ये कट आउट की नहीं बात, तो फिर पैसे की आ गई। यस, वो एक्चुअली उनको एक बहाना मिल गया कि आपसे रिश्ता कैसे तोड़ा जाए। और उनको आपको कुछ देना नहीं था, तो वो पहले से ही माइंडसेट था। और मैं वही चीज एक बोलना चाहता हूँ, मैंने उस होप के कारण मैंने गाड़ी ली है। मैं पहले 8 से 1.5 साल पहले ना, हम आपको बताता हूँ, हम हमारे पास एक फ्लैट में रहते थे हम तीनों। ओके, तो वहां पे क्या हुआ, पुलिस आ गई। पुलिस आई फॉर व्हाट, वो ही बता रहा हूँ। पुलिस आ गई, कहते कि तो उन्होंने एक लड़की को किडनैप करके रखा हुआ है। मैं आपको बीच में ये भी बता देता हूँ, मैं यूट्यूब पे क्यों आया हूँ, ये जुड़ा हुआ सवाल है इससे। तो आपने लड़की को किडनैप करके रखा हुआ है, तो मैं घर नहीं था, ये दोनों घर थे, मैं कैब चलाता था पहले, टैक्सी ड्राइवर था मैं पहले। तो पुलिस आई, पुलिस कहते अपने हस्बैंड को बुलाओ, इन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं आया। तो पुलिस ने मुझे बिठाया, गाड़ी में ले गए। तो मैंने उनको बोला, सॉरी रिक्वेस्ट की कि मैं अपनी गाड़ी से चलता हूँ। तीन एक इनको भी कहते हैं गाड़ी में बिठाना, कि आप मेरे साथ बैठ जाओ, एक बंदा आप अपनी गाड़ी ले जाओ, मैं अपनी गाड़ी में चलता हूँ, इनको भी ले चलते हैं। चले गए, तो वहाँ पे फिर वो मेरी फैमिली या इनकी फैमिली, बहुत सारे रिश्तेदार ही थे, फैमिलीज तो थी ही नहीं, रिलेटिव ही थे। उन्होंने केस कर रखा था, मैंने इसको किडनैप करके रखा हुआ है, तो इसके बयान लिए गए। तो वहां पे कुछ ऐसी बातें भी होगी, पता नहीं क्या था कि पुलिस को ले अप डाउन कुछ ले दे रखा था या क्या था, मुझे वो समझ में नहीं आया। वहां पे मुझे एक दो दिन पूरा परेशान भी किया। तो वो किसने किया था? हमारे इनके रिलेटिव्स थे और मेरी भी फैमिली इन्वॉल्व थी उसमें, मतलब कंबाइन करके कि मैंने किडनैप करके रखा हुआ था। इसको लेके जाना है बस, यहाँ से लेकर भी जाना है,
और उसके बाद मेरे पे केस भी करना है, तो उस वक्त भी मैं, मेरी फैमिली ने भी नहीं ये सोचा कि यार इसको ऐसे केस क्यों करना, कि एक लड़की को किडनैपिंग का केस का चार्ज क्या बनता है ये सब जानते हैं जो देख रहे हैं, कोई छोटा मोटा नहीं होता। तो उसके बाद फिर चलो इसने भी बयान दिया, हमने भी दिया, छूट गए। उसके बाद जो हमारा ओनर था, ओनर ने क्या किया, हमें निकाल दिया फ्लैट से कि हमारे यहाँ पुलिस आती है और हम आपको नहीं रख सकते। 8-9 बजे रात के 8-9 पहले दिन हम लोग गए शाम को, वो पूरा दिन हमने पुलिस स्टेशन में गुजारा। अगले दिन के भी शाम को 8-9 बजे होंगे तो हमारे पास फोन आया कि तुम लोग अपना सामान जो है थोड़ा बहुत वो लेके निकलो, हम एक घंटे में ही खाली कर दो। तो उस वक्त हमें ये नहीं समझ आया कि हम जाए कहाँ पे। उस वक्त मेरे पास थे थोड़े बहुत पैसे, मतलब मेरे पास 30-40 हजार था, तो मैंने चलो रात को निकल के रात गाड़ी में निकाली, अगले दिन एक और फ्लैट ले लिया, सेकंड फ्लैट लिया। तो 2-3 दिन में उस ओनर को, पहले मुझे यही नहीं फ्लैट मिल रहा था कि दो शादियों वालों को हम नहीं रख सकते। फिर मैंने झूठ बोलकर फ्लैट लिया कि मेरी एक ही वाइफ है, ये हमारे प्रूफ है और ये जो है इसकी सिस्टर ऐसे आई हुई है, कोई बात तो हमें मिल गया। लेकिन रिलेटिव्स ने बता दिया आपने ऐसे लोगों को फ्लैट दे रखा। वो जो ओनर था ना वो किसी मेरे गांव के, मतलब हमने आसपास ही लिया था, टच में था, तो उसने बता दिया कि इसकी दो शादियां हो रखी है, ये ऐसे ऐसे रह रहा है। तो उसका फोन आता, भाई आपने झूठ बोल कर लिया, आप निकलो। मैं कहा हमारी सिक्योरिटी दे दो, क्योंकि जब हम रेंट पे लेते हैं सिक्योरिटी देनी पड़ती है। मैं कहा बहुत, चलो रिटर्न कर दो। कहते हैं आपकी गलती है ना, आपने झूठ बोल कर रहे हो, सिक्योरिटी वापस नहीं दी। नहीं तो दोनों टाइम। और जब हम वहां से निकले उस वक्त जीरो था मेरे पास पैसा, 3-4 दिन के अंदर अंदर ही। हाँ उस वक्त पैसा नहीं था सबसे बड़ी प्रॉब्लम। कोई नहीं, जिसने सिक्योरिटी वापस नहीं दी उसकी भी निकलेगी ना कहीं ना कहीं। तो वो मैं उनको नहीं बुरा बोलूंगा अगर उन्होंने सिक्योरिटी नहीं दी। देखो मैं भी हूँ, अगर मुझे मेरा घर है, मेरे घर में अगर कोई झूठ बोल के रहेगा ठीक है, तो ऑब्वियस मुझे भी यार देखो झूठ तो नहीं बट एक किसी को इंसानियत भी होती है यार। किसी का पैसा मारना बहुत बड़ी बात है, उनको मोड़नी चाहिए थी। लेकिन मेरे जो मैं उनको जरूर बोलूंगा जिन्होंने उनको बताया। हाँ। सबसे बड़ी बात थी कि उनको एक बच्चा भी नहीं दिखा कि हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा लेके। शी वाज आल्सो देयर, आपकी 2-2.5 साल की थी। और उसके बाद मैंने गाड़ी उठाई, फिर उसके बाद पैसा तो था नहीं कहीं, लिंक दिसंबर का दिन था, ठंड के। तो फिर गाड़ी में हम सोए, गाड़ी में सोते थे रात को, तो पैसा खाने के लिए भी नहीं था। तो यहाँ ना इधर अपना खरड़ में वी आर मॉल है एक खरड़ में, तो उस मॉल के बाहर हम पार्किंग वगैरह में गाड़ी खड़ी कर लेते थे सेफ्टी के लिए, सो जाते थे। सुबह उठते थे उसका हम वॉशरूम वगैरह यूज करते थे, 9-10 बजे तक का वेट करते थे कि भी खुलेगा ऐसे तो हम ऐसे यूज करेंगे, तो यूज करते थे वो चीजें। फिर उसके बाद दिसंबर में क्या होता है, सवा के लंगर लगते हैं पंजाब में। जी 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 बिल्कुल। हाँ तो पैसे खाने की भी नहीं थे, तो क्या होता था कि वहाँ पता था कि इतने बजे यहाँ लंगर चलेगा, तो वहाँ भी हम लंगर खाते थे ठीक है, वेट करते थे। तो हम खा लेते थे लंगर, क्योंकि अब उन लंगर्स में क्या होता है, पकौड़े या रोटी सब्जी ये होता है, वो बच्चा 2 साल का कैसे खाएगा। सबसे प्रॉब्लम बड़ी बहुत थी तब, बहुत मतलब फील होता था। फिर जो जो चीज़ें थी जे में, छोटे मोटे फ़ोन थे तब, आईफोन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था, वो धीरे धीरे वो बेचे हमने, वो बेच कर खाने का हमने एडजस्टमेंट किया कि चलो यार खाना तो बच्चे के लिए, हम तो लंगर ही खाते रहे वो 4-5 दिन, पर बच्चे के लिए आप थोड़ा वो एक्स्ट्रा ले लेते थे रात के लिए भी कि वो बच्चा अब खा लिया, अब रात को भी ये खा लेंगे। अब मैं टैक्सी चलाता था, मेरा जो बिजनेस है उसमें हम सो रहे हैं, इनको अगर मैं टैक्सी से काम करने जाऊंगा तो इसको कहाँ, इनको कहाँ पे कहाँ बैठा कर जाऊँ। तो फिर वहां मैंने कोई चीज गोल्ड की मेरे पास एक थी वो मैंने सेल की, तो जहाँ अब हम रह रहे हैं तो मैंने वो फ्लैट ले लिया रेंट पे। वो लेने के बाद फिर मैं, मुझे पता चला कि फिर वो किसी तरीके मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैंने एक एडवोकेट से बात की कि यार ऐसा ऐसा मैं परेशान हो गया हूँ। तो ऐसा था कि मैंने अपने एडवोकेट से बात की कि ऐसा है कि यार मुझे बताओ, मेरे पास अब पैसा भी है नहीं, मेरे पास जो चीज़ थी वो मैंने सेल कर दी और मैंने फिर से रेंट पे घर ले लिया, क्योंकि सिक्योरिटी वगैरह दे के 30-40 हजार रुपया लग गया था फिर से मेरा, तो हमने ले लिया वो घर। फिर एडवोकेट ने मुझे एडवाइस किया कि एक काम कर, एक वीडियो बना और उस वीडियो में मतलब मानसी बोलेगी कि मैं अपनी मर्जी से रह रही हूँ, इन्होंने ना तो कोई किडनैपिंग की है ना कुछ, हमें जो परेशान किया जा रहा मत किया जाए, और फिर इनसे भी बुलवा कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये चीज़ें बुलवा कर आप वीडियो अपने पास रख लो, चाहो तो यूट्यूब पे या कहीं ऐसे डाल दो ताकि आपकी सेफ्टी के लिए वहाँ पड़ी रहे, कभी कभार तो वहाँ पड़ी रहेगी। तो मैंने वो वीडियो बनाई और वो वीडियो मैंने यूट्यूब पे, मतलब क्या होता है कि हमारी जीमेल आईडी पे जो नाम होता है ना, तो वो नाम से ही हमारी यूट्यूब पे आईडी बन जाती है, जो SRPR कुछ लिखा होता, तो वैसा था, कुछ सनी फैमिली भी नहीं था वहाँ पे। तो मैंने वो अपलोड कर दी, अपलोड करने के बाद हमने कहा ठीक है भाई सो गए, अगले दिन उठे फिर भी ध्यान नहीं दिया मैंने। तो 2 दिन बाद मुझे मेल आती है, यू आर एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन, एक वीडियो से ही। हाँ 2 दिन बाद, 2-3 दिन बाद मुझे मेल आती है
मैंने देखा, मुझे YouTube का ऐसा नहीं है, मैंने आपको, मेरा वैसे ड्रीम था मैंने वीडियो डायरेक्टर बनने का, तो मैं गांव में छोटी मोटी फिल्में बनाता था, एक सनी राजपूत नाम से मेरा था चैनल, वो मैंने छोड़ दिया था बहुत टाइम पहले। ओके। तो मैंने वो ड्रीम ही छोड़ दिया था कि नहीं, तो मैंने एडिटिंग सीखी थी, बहुत कुछ सीखा था, वो मैंने छोड़ दिया था यार छोड़, तो वो सीखा मेरे अब काम आ गया। हाँ, तो मैं ये भी चीज बनती है कि लाइफ में अगर आप उन लोगों ने कहीं मेहनत की है ना, वो कहीं ना कहीं काम आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने 5-6 साल उस वक्त मेहनत करके छोड़ दिया था, तो मैंने मेल चेक की, मैं मोनेटाइजेशन ठीक है, लेकिन कौन सा चैनल, वो पुराने वाला हुआ है कौन सा, वो भी कंफ्यूज हो गया। मैंने यूट्यूब खोला, अपना पुराना चैनल देखा, उस पर तो ऐसा कुछ नहीं था, तो फिर मैंने इधर, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हुआ कौन है मोनेटाइज, तो क्योंकि वो सेम मेल आईडी पे मैंने बना दिया था ना, वो तो मैं भूल गया कि मैंने इधर भी तो वीडियो अपलोड कर रखी है, वो तो मेरे दिमाग में नहीं था। फिर मैंने ऐसे ऐसे करके चेक किया, तो उस पर देखा भी 60-70 हज़ार से भी ऊपर जा व्यू आ रखे हैं उसे, तो उसके वॉच टाइम जो होता है वो भी बहुत अच्छा गया हुआ था। तो भाई मैंने देखा, फिर मैं थोड़ी देर तो सब अकेला था बैठा था, ये भी थे मतलब दूसरे रूम में थे, सोचा भी मैं क्या करूँ पैसा ही पैसा, बात पैसे की नहीं कि अब मैं चैनल चलाऊं या क्या करूं, YouTube पे मुझे आना चाहिए क्या करना चाहिए, उस वक्त मुझे थोड़ा बहुत पता। ये आपकी डेस्टिनी आपको लेकर आई कि आपको यही करना चाहिए और यही आपके लिए आगे आपकी फैमिली चलाने वाला है। हाँ। तो फिर मैंने इनसे डिस्कस किया, मैं कहा यार ऐसा ऐसा है चैनल मोके, तो वो क्या होता है, इनको भी नहीं पता था कुछ, वो क्या मोनेटाइज का क्या, वो तो YouTube, मतलब आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आप YouTube में आओगे। मैं सिर्फ रील्स देखते थे, हम ऐसे ऐसे स्क्रॉल करते, हम वो स्क्रॉलिंग वाले, हमारा ये प्लानिंग था। अगर आप पूछो हमारी प्लानिंग क्या थी, मैंने बनना था टैक्सियां अपनी 5-4 करनी थी, इसको मैंने बोला था कि तेरे को मैं ब्यूटी पार्लर का सिखाऊंगा कुछ, और इसको भी एक बिजनेस, ऐसे हमने बिजनेस बांट रखे थे। थोड़ा डिग्री थी, मतलब हम दोनों ने डिग्री कर रखी है, तो मैंने बोला कि ऐसे ऐसे तुम लोगों को मैं बिजनेस में सेट करूंगा, तू अपना बिजनेस रन करना, तू अपना करना। लेकिन जब वो मोनेटाइजेशन आया दिमाग में, चीज घूमी, तो उस वक्त मैम कभी जिंदगी में मैंने व्लॉग ही नहीं देखे, उस टाइम तक मैंने कभी व्लॉग वगैरह नहीं देखे, ये देखते थे। तो फिर मैंने इनको बोला यार ऐसा है कि व्लॉगिंग चैनल बन सकता है हमारा, ऐसे ऐसे। फिर इसने मुझे अरमान मलिक को, मैं तो ऐसा है कि जानता तो था कि उसकी दो वाइफ ऐसे ऐसे कि मेरा केस भी सेम बन गया, लेकिन मेरा यूट्यूब का कोई प्लान नहीं था, तो इन्होंने बोला यार उन्होंने भी तो चैनल बना रखा है, हम बना लेते हैं। फिर एक दो मेरे दोस्त थे, मैंने उनसे डिस्कस किया, फिर हमने प्लान किया कि चलो बना ही लेते हैं, फिर अब देखा जाएगा। तो फिर अब कंटेंट क्या बनाए, तो हमने सोचा कि कॉमेडी बनाते हैं, फिर उससे बड़ी बात है कि चैनल का नाम क्या रखे। तो यूट्यूब पे हम जो हमारी जो जर्नी है, फिर हमने सोचा गुड फैमिली ये वो, ऐसे करते 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 तो इन्होंने बोला कि सनी फैमिली है ना, आप सनी है और हम आपकी फैमिली है, तो सनी फैमिली। नाइस। बट मेरे अकॉर्डिंग ना, वो जो मैंने आपको बताया था ना कि बिफोर दिस पॉडकास्ट एस वाला चेंज जरूर करना, आपका जितना अभी ग्रोथ है टचवुड बहुत अच्छी है, बट एक बार अगर आप चेंज करके देखोगे ना, जो अभी यहाँ चल रहे हो ना आप वहाँ पे पहुंच जाओगे। और हमारे साथ में हम कोशिश करेंगे कि जो इसका आपने बताया ना रूपेंद्र रूप राजपूत का, इनका हमने बना रखा है इसी ईयर बनाया, इसको हम ज्यादा अप्रोच करेंगे, क्योंकि जो हमारा सनी फैमिली है वो आज तक एबीपी न्यूज से लेके बहुत सारे बड़े बड़े, आप दो कर दो ना, दो सनी फैमिली कुछ ऐसा कर सकते हैं, चेंज नहीं है ना, सनी मत चेंज करो, उसके आगे कुछ लगा दो, या दो सनी फैमिली है ना, राजपूत सनी फैमिली, मतलब समथिंग लाइक दैट, की जो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट बैठे, और जहाँ पे देखो ग्रोथ अच्छी है आपको दिख ही रही है, थोड़ा बहुत चेंज कर लोगे तो पता नहीं भगवान कहाँ पहुंचा दे। और हमारा इसी चक्कर हमारा एक इंस्टाग्राम पे भी था सनी फैमिली, तो वो चैनल ना हमारा हैक हो गया था, उसपे भी हमारे बहुत सारे, हमारे 5 लाख फॉलोअर्स हो गए थे सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ में। और मुझे लगता है आपको अपना अकाउंट भी फिर सनी राजपूत वाले के, उसके आगे भी कुछ करना पड़ेगा, उसके आगे आप रूम जहाँ पे भी आपका सनी राजपूत है वहाँ पे राजपूत सनी कर दो, इतना कर सकते हैं, करेंगे डिस्कस। थैंक यू और इस चीज के लिए आपने हमें बहुत अच्छी चीज दी है। जब पहुंच जाओगे ना मुझे याद कर लेना। नहीं नहीं, फिर तो आप याद क्या करना, जरूर हम भी एक जल्दी पॉडकास्ट करने जा रहे हैं, फिर आपका हम लेंगे, आपका लेंगे। यस, मेरे को फिर आप वेलकम करना वहां पे, मैं जरूर आऊंगी पॉडकास्ट दे रहे ना। सो सर, ये तो रही आपकी जो फैमिली कॉन्ट्रोवर्सी अभी हुई थी, बट नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू कि टुगेदर योर जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कौन आपकी लाइफ में पहले आए कौन बाद में आए, वो थोड़ा बताइए आप, एंड बाकी आप भी बता सकते हैं। पहले मैं थी, मतलब हमारा रिलेशन था, आफ्टर रिलेशन के बाद हमने एक्चुअली मैं 2008-9 में, पता नहीं हमारी मूवी में भी है, तो इनसे मैं फर्स्ट टाइम मिला था। इस ये ना अपनी नानी जी के घर रहती थी। अच्छा। मेरे गांव में नहीं रहती थी, इनके मम्मी पापा तो हमारे गांव में, हम एक ही गांव से हैं, तो ये लेकिन ये हमारे गांव में नहीं रहती थी, ये रहती थी अपनी नाना नानी के घर, तो दूसरे गांव में, तो मतलब चले हमारे, मतलब शायद इनके होता है बहुत सारे चले जाते हैं, नाना वही रहते हैं, मैं मतलब वही रहती, इनके बहुत सारे ऐसे रिलेटिव है जिनमें नाना नानी के घर ही ज्यादा। अच्छा। में उसकी फैमिली का बैकग्राउंड में कुछ ऐसी चीजें हो गई थी, तो नानी को मतलब मुझे गोद ले लिया था, जैसे मेरे मामू नहीं है ना कोई भी,
तो उसके बाद चलो ये फर्स्ट टाइम आए, मैंने मेरे दोस्त थे 3-4, तो हम खड़े थे, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था, गवर्नमेंट, ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, तो हम खड़े, तो मेरे दोस्त जो थे वो हम शरारती थे सारे, तभी से ये प्राइवेट स्कूल में साइकिल से आ रही थी, हमारा तो गांव में स्कूल था, तो मेरे दोस्त ने बोला कहता यार ये लड़की देखे यार फर्स्ट टाइम देख, हाय हाय मजा आ गया। तो मैंने भी ऐसे टर्न करके देखा, मैं हाँ ठीक है यार अच्छी है, तो लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं इस पे कोई ट्राई करूं या कुछ ऐसा, कोई ना दिमाग में आया नहीं दूर तक, मुझे ऐसा था कि यार मैं सरकारी वाला हूँ या इसी लिमिट में ही रहूं या छोड़ो इनको क्या देखना या कुछ। तो मेरे दोस्त ने ना इसको कुछ कमेंट कर दिया ऐसा ही उल्टा सीधा, तो इसने साइकिल रोका, ये नहीं पीछे मुड़ी और इसने बोला मतलब अपनी लैंग्वेज में पेंडू गवार, लड़कियों को छेड़ते हो तंग करते हो यही आता आप लोगों को ये वो वगैरह वगैरह, इसने पंजाबी च बोला पेंडू गवार थानू कुछ नहीं आता, थानू अकल नहीं है, बदतमीज है तुसी, तुहाडे मुंह ते चपेड़ मारू इक। मैंने अपने दोस्त को बोला, मैं आ गया मजा मुझे, कहता वो तो ठीक है लेकिन वो लड़की ना यार तेरे को देख के ये सब क्यों बोल रही थी। ओ वो दोस्त लोग वो करवाते ना कि तू उछल उछल थोड़ा सा, इसको कंफ्यूजन हुई थी कि मैंने ही बोला है, तो मैंने इसे बोला, मैं क्या पंजाबी च बोले सी, मैं कहे कुड़ी इसको कुछ बोला नहीं, तो वहां से फिर जब ये चली गई मैंने दोस्त को बोला, मैं नहीं यार ये पता करो ट्यूशन जाती, शाम को ट्यूशन जा रही थी ये, मैं यार ये कहाँ जाती है, फिर तो मैं वहां ट्यूशन लग गया, थोड़ी सी दोस्ती की, दोस्ती से पता ही नहीं चला कब प्यार हो गया, फिर प्यार से हम कॉलेज में रिलेशन में आ गए, कॉलेज पहुंच गए, कॉलेज भी एक साथ आ गए। अच्छा, तो कॉलेज भी हाँ साथ ही चलते, फिर आपका रिलेशन बन चुका था। हाँ। हमारा 10th 11th के बाद हम सिर्फ दोस्त थे, प्लस 2 के बाद जब ये कॉलेज में ही मैं भी कॉलेज में आ गया तब तक हम रिलेशन में आ चुके थे। वाओ लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब 7-8 इयर्स, मतलब हमने कॉलेज की स्टडी की, स्टडी के बाद फिर सीधा शादी पे ना आना, बीच में इसका भी तो बताना है, इसको स्किप स्किप करना है तो हाँ, नहीं नहीं यार नहीं नहीं नहीं, शी इज अ यू कैन से मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट ऑफ योर लाइफ, क्योंकि वो आए तब आप तीनों का एक जोड़ी बनी है। तो तभी उसके बाद क्या हुआ कि जब कॉलेज में पहुंचे फिर 2016 में ऐसा हुआ कि इसकी फैमिली ने इसका रिश्ता कर दिया कहीं, तो बात कर ली गई, तो इसने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है कि मेरा तो रिश्ता कर रहे हैं अब क्या करें। मैं कहा यार अभी रोक उनको, मेरी प्लानिंग है, मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है और मेरी थी ये प्लानिंग, तो हम थोड़ा टाइम ले, इसके बाद तू आईलेट्स कर, मैं भी करता हूँ, हम स्टडी के लिए वहां जाएंगे, पे कुछ स्टैंड करेंगे फिर शादी करेंगे, तो मैं भी घर वालों से बात करूँ, मेरे तो मान जाएंगे, कहती मेरे नहीं मानेंगे। मैं कहा यार, कहती फिर आप जाओ ऑस्ट्रेलिया, मेरा तो नहीं बनता। मैं कहा चल एक काम कर, तू कर ले बात अपने घर, कहते मान ही जाएंगे। इसने बात की नहीं माने, फिर बात की नहीं माने, जब इसने जिद की तो इसे कॉलेज से ही हटा लिया था, तो फिर उन्होंने बोला कि जा तो हम मर जाएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे फैमिली वो जो कर, देखो वो इनकी फैमिली का कोई, मैं एक बात बताऊँ, हम तीनों की फैमिली में सभी अच्छी है, देवी भी अच्छी है, लेकिन इसकी मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी रीजन, सीधा बोल दिया कि तेरी शादी हम नहीं करवा सकते, इससे शादी हो गई, कभी भी हमें ना डिस्टर्ब किया, ना हमारे लाइफ में कभी आए, ना अच्छा बोला ना बुरा बोला, हम यूट्यूब पे, मैंने दूसरी शादी की, कभी कुछ भी नहीं बोला उन्होंने, कुछ भी हमें नहीं, तंग भी तक नहीं किया। लेकिन हम तीनों में से बहुत रिच फैमिली है इसकी, ऐसा नहीं है कि वो छोटी मोटी फैमिली से है, ये बहुत रिच फैमिली से है, तो ठीक है, उन्होंने कभी हमें परेशान भी नहीं किया, वो अपनी साइड चले गए, उन्होंने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, ठीक है। तो उसके बाद चल इसकी फैमिली नहीं मानी, फिर इसने मुझे बोला यार पापा बोलते हैं ऐसे कर लेंगे, मैं सारी फैमिली को जहर दे दूंगा क्या करें। मैं कहा मेरे भी यार पापा ने इलेक्शन लड़ने हैं सरपंची के, अगर हम इस सिचुएशन में भाग जाते हैं तो मेरे पापा बोलेंगे यार कैसा, तो थोड़ा टाइम तो रुक जाता, तूने तो मेरा भी यार वो कर दिया गांव में, बिल्कुल मैं तो नहीं भाग सकता। ये कहती भाग तो मैं भी नहीं सकती, ये तो हो ही नहीं सकता। तो फिर हमने कहा चलो ट्राई करते हैं, कहती मेरा ट्राई नहीं हो सकता। फिर मैंने इनके घर वालों को फोन किया, वो बोलते अगर आप फोन किया ना इसको मार देंगे। तो फिर मैंने इसे समझाया, इसने मुझे भी समझाया कि छोड़ यार जो किस्मत में था डन करते हैं, तो अपनी लाइफ में आगे बढ़, मैं अपनी में आगे बढ़ता हूँ, कोई बात नहीं, अब हो गया, अब कर क्या सकते हैं यार कुछ, क्योंकि मेरे मन में शुरू से कभी भागना भगाना तो है ही नहीं था, पर किस्मत होती है ना पता नहीं, वो सोचा तो अपने आप को शरीफ बनाऊंगा, लेकिन दो शादी हो गई मेरी नहीं चलो दो शादियों वाले भी शरीफ होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लोगों की नजर में शायद नहीं, वो लोगों की सोच ऐसी होती है, तो जैसा है ना, बिल्कुल। फिर उसके बाद चलो ये हो गया, उसके बाद फिर आपका ये चैप्टर क्लोज हो गया, मतलब बिल्कुल 3-4-5 मंथ हमारी बात ही नहीं हुई, 5 मंथ बाद इसका मुझे फोन, 5 मंथ में क्या हुआ,
उससे पहले एक सॉरी स्किप कर गया हमने ना एक हमारा ना एक डांस हमारा ना एक डांस कॉम्पिटिशन था जहाँ कॉम्पिटिशन ही परफॉर्मेंस थी हमारी मतलब कॉलेज की। तो एक लड़की कम पढ़ रही थी तो फर्स्ट टाइम मानसी को हम तीनों एक साथ ही मिले थे तो वहां पे हम डांस कर रहे थे तो एक लड़की सबसे अच्छा कर रही थी ये लीड में हम दोनों ने करना था लेकिन ये बहुत अच्छा कर रही थी मतलब उस टाइम परफॉर्म कर रही थी। मैंने फिर इनसे डिस्कस किया मैं कि काम करता हूँ मैं सेंटर में हो जाता हूँ इनको दोनों आप दोनों साइड में फिर आगे आगे ऐसे ग्रुप बना के करते हैं अच्छा लग रहा है मुझे। तो हमने परफॉर्मेंस आज की वो कॉलेज में बहुत बड़ी फोटो लगी थी सेंटर में मैं खड़ा हूँ इधर मानसी खड़ी है इधर रूप और ये नहीं पता था कि ये आगे चल के होगा। अरे बाप रे पहले तो जोड़ी बना दी थी। मूवी में भी अगर आपने देखा वो फोटो लगाई है हमने रियल वाली हां मूवी में भी लगाई है बिल्कुल ऐसे है ये इधर है ये बीच में और मैं इस साइड तो यहाँ बैठे हुए बिल्कुल सिंक्वेंस साइज है ना हमेशा से बैठे हैं पक्की फोटो रियल लाइफ में ही बन गई वो फोटो। ऐसा होता है हम लोग वीडियो हमें कभी पता नहीं चलता इस बात का कि मैं हमेशा इस साइड रहती हूँ वो साइड रहती है कई बार ना कमेंट्स आ जाते हैं नीचे कि आप लोग हमेशा इसी सीक्वेंस में बनाते हो वीडियोस बन चुका है ना वो ऐसे बैठ जाते हैं। तो उसके बाद फिर चलो फर्स्ट टाइम वहां देखा डांस किया उसके बाद मानसी अपनी जगह चली गई तीन चार मंथ जो हमारा बात करना बंद हो गया था ना मैं इससे बात की नहीं इसको तो मैं जानता ही नहीं था बस वो पता था कि एक बार इसने परफॉर्मेंस की थी फिर अगली परफॉर्मेंस आ जाती है मतलब नेक्स्ट सिक्स मंथ बाद दोबारा आ जाता ना फंक्शन। मैं कॉलेज में बैठा मानसी मुझे बोली कि सनी इस बार आप लोग कर नहीं रहे हो कोई परफॉर्मेंस वगैरह तो क्योंकि मेरा ग्रुप था मैं कोऑर्डिनेट वहां पे करता था हर बार उस बार मैंने नहीं किया था कि ये आई कहती है मेरी अटेंडेंस शॉर्ट है। अच्छा तो वो जो डांस करते थे ना अटेंडेंस कंप्लीट हो जाती है कहती मेरी अटेंडेंस शॉर्ट है यार इस बार करो आप लोग ऐसा ऐसा तो मैं क्या नहीं इस बार मेरा मन नहीं है कहते रूप दीदी का है उस उनको बुलाओ हम कर लेते हैं। मैं कहा वो नहीं अब कॉलेज आएगी वो छोड़गी। तो उसके बाद फिर एक दो दिन निकले तो फिर ये मुझे दोबारा मिली ये पैदल जा रही थी गाड़ी से मतलब पैदल जा रही थी मैं गाड़ी पे था तो मैंने गाड़ी रोकी मैं सेम राजपुरा रहती थी ये तो मुझे पता चल गया था पैदल जा रही थी उस टाइम मैं कहा राजपुरा जा रही है कहते हाँ मैं कहा बैठ जा मैं छोड़ देता हूँ। तो पहले ने मना किया चलो फिर बैठ गई फिर बातें बूतें करते रहे ऐसे ऐसे तो पता चला ये भी राजपूत है। क्लिक बच गया राजपूत इसने मुझे बोला कि तुम लोगों की शादी क्यों नहीं इसे मुझे इसकी बातें पूछी थी ना ने कैसा मैं कहा उसकी कास्ट और है मैं राजपूत हूँ कहती मैं भी राजपूत हूँ तो ऐसे मुझे पता चला ऐसे नहीं कि कास्ट हमने पूछी थी तो इसकी स्टोरी बताते बताते हमें कास्ट एक दूसरे की पता चल गई थी। हाँ तो फिर ये भी निकल गया समा फिर इसकी कॉल आती है कि मेरी ना ऐसे ऐसे शादी फिक्स करने जा रहे हैं। मैं कहा चलो अच्छी बात है फिर मुझे बोलते कि यार एक काम करो प्लीज आप भी शादी करो इसने जिद की मैं क्यों करी कहते मेरे अंदर ये हो रही है कि मेरी शादी हो रही है वो क्यों नहीं करवा रहा है यार मुझे यार मैं कहा ये कोई बात नहीं ये तो बच्चों वाली है मेरी जिंदगी है यार ठीक है थोड़ा टाइम दे तुझे पता ना मेरे ड्रीम क्या है मेरे ड्रीम अभी मुझे फॉरन जाना है मैंने ऐसे ऐसे पढ़ाई करनी है कहती नहीं मुझे नहीं पता आप अपने घर वालों को बोलो। अब मुझे भी तो शर्म आती है कैसे बोलूं मेरी शादी करा दो मेरी शादी होप रहती है ना कि नहीं अभी भी मेरा हो सकता है वो अभी भी बैठा है मेरा हो जाएगा उसके साथ ये कहती मुझे होप नहीं टूट रही मुझे ऐसे लगता है कि लास्ट डे में भी तू आएगा मुझे वहां से उठा के ले जाएगा। तो आपने इनकी बात को सीरियस ले लिया? मैं उस वक्त भी नहीं लिया था सीरियस ना नहीं मैंने कहा सो यार क्या यार मम्मी पापा को कैसे बोलूं मेरे लिए लड़की ढूंढो। तो मैं गाड़ी पे फिर वैसे ही मैं कॉलेज आया फिर मुझे ये दिखी फिर मैं जा रहा था मैंने इसको बोला घर ही जा रही है मैं बैठ जाते हैं। तो फिर मुझे उस वक्त आया कि यार मैं चल इससे बात करके देखता हूँ मैंने इसे आई लव यू नहीं बोला कुछ नहीं बोला मैं गाड़ी में सीधा बोला मैं शादी का क्या प्लान है अभी कब तक करनी है कहते अभी तो पता ही नहीं शादी शुदी का तो कुछ भी नहीं। मैं कहा अच्छा मैं कहता अगर मेरा ना फौरन जाने का प्लान है अगर हम शादी कर लेते हैं ऐसे ऐसे कहते ये कैसी बातें कर रहे हो मैं मेरा दिमाग में कुछ था ही नहीं। मैं कहा चलो यार ठीक है ये भी अच्छी है बातें तो इसी से होती है ठीक है। तो ऐसे ऐसे करते फिर एक दिन दो दिन मना करती रही फिर तीसरे दिन मैं फिर मिला मतलब तीन दिन ही 10-15 दिन का गैप पड़ गया था फिर भी फिर मैं मिला इससे। मैं कहता मैंने आपको कुछ बोला था तो आपने आंसर नहीं दिया कहती चल मैं आप घर वालों से क्या बोलूँ यार मैं पहले स्टडी तो कर लूँ। मैं करते रहेंगे फोन चलते मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना मेरी तो प्लानिंग ही थी मैंने इंडिया छोड़ना मैंने बाहर जा रहा अब वो कीड़ा नहीं है अब मेरा दे मुझे इंडिया ही अच्छा लगता है और मैं वो कुछ नहीं है। तो फिर मैंने इससे फिर बात की फिर इसने अपने घर पे बात कर ली कि ऐसा है कि मैंने ना शादी करनी है ऐसा है लड़का बोल रहे कि हम फॉरन जाके स्टडी करते फिर यहाँ अभी तो क्योंकि ये नई नई कॉलेज में लगी थी मेरी स्टडी कंप्लीट हो चुकी थी हाँ इसको अभी लगी थी। मैं कहा मेरी कंप्लीट हो चुकी है तो 4 साल फिर यहाँ बैठी रहेगी मैं थोड़ी बैठा रहूंगा ऐसे मैंने तो जाना है यार तो हम क्यों का टाइम वेस्ट करें। तो इसने बात की इसके घर वाले भी बोलते ठीक है चलो वो भी राजपूत है अगर तुम लोगों को कैसा प्लान है तो ठीक है करो शादी जाओ जहाँ जाना है। बट मेरा फॉरन में ही हो रहा था इसका रिश्ता फॉरन में ही हो रहा था इसका हो रहा था यूएसए में अमेरिका में सेटल था लड़का तो उसके बाद जो हुआ
फिर हमारा चलो एंगेजमेंट भी होगी हमारी, एंगेजमेंट के बाद फैमिली की तरफ से ही सब कुछ मना बना के फैमिली इन्वॉल्वमेंट है ना, फैमिली ने करवाई हमारी, ऐसा नहीं कुछ। तो उसके बाद फिर मैं एक दिन कॉलेज में ये एग्जाम देने आई थी, इसके फाइनल एग्जाम थे, कॉलेज तो आने नहीं दिया, नॉन अटेंडिंग करवा दी थी इसके घर वालों ने, अच्छा जाना इसका बंद कर दिया था, एग्जाम दिलवाने भी खुद ही आते थे वो मेरे साथ, तो ये एग्जाम देने आई थी स्ट्रिक्ट फैमिली। तो मैं जब ये एग्जाम देने आई, मैं कॉलेज में था उस दिन, मुझे ये दिख गई, तो ये दिखी तो मन में आ ही जाता है यार कि रूप इतने टाइम बाद दिख रही है मेरे को, मैं इसके पास चला गया सीधा ही। तो हम बातें बोते करते रहे, बातें करते करते ये रोने लग गई उस बातों में, जब ये रोई फिर मैंने इसका हाथ पकड़ा, मैंने इसे हक कर लिया, ना कि चुप कर जा रो क्यों रही है। वो क्या था कि मेरे पापा उस वक्त सरपंच बन चुके थे, हमारे आंटी बहुत थे क्योंकि ये हमारे गाँव से है, अब तो सिटी में चले गए, तो वो चाहते थे कि इनका कहीं तरह से झगड़ा कैसे करवाऊँ, तो पार्टीबाजी होती है ना, तो उन्होंने पिक्स क्लिक करके इनके घर वालों को भेज दी, इनके पापा बाहर ही बैठे थे गाड़ी लेकर वेट कर रहे थे, तो उन्होंने भाई को भेजी, पापा को नहीं भेजी, वो भाई तीन चार लड़के लेके सीधा आ गए, पापा ने पूछा क्या हुआ, कहता ये कर रहे हैं अंदर ये चीजें, तो उनका ये भी कहते हैं इनका ये भी प्लान है कि आज भागना है, उस बंदे ने ये बोल दिया आज इन्होंने भागना है, तो ये आज दिन का वेट कर रहे थे कब रूप आएगी और भाग जाएंगे, वही वो कुछ नहीं पूछा उन्होंने, सीधा डंडे उठाए अंदर आए, मैं खड़ा, रूप भी नहीं थी उस वक्त मेरे साथ, मैं अकेला था, मैं बाइक लेके जा रहा था उस वक्त, घर को निकल रहा था घर के लिए, तो भाई मेरी बाइक पे पहले एक पत्थर बजा, मैं गिर गया, तो उसके बाद अभी भी मेरी पीठ पे निशान है, कोई भी बात अगर लोगों को लगता है कि झूठ है या कुछ, अभी भी वो चोटों के निशान, अगर कोई ऑब्जेक्शन बड़ा बंदा कोई करेगा तो मैं दिखाने के लिए रेडी बैठा हूँ, तो मेरे आज भी पीठ पे निशान है जो उन्होंने मुझे पीटा था उस दिन रोड के साथ, हाँ, पीटा रोड बहुत है। उस वक्त जब पीट रहे थे तो ये भी आ गई, ये भी आ गई, कॉलेज में ही था ना, ये भी भाग कर आ गई, ये भी भाग कर आ गई कि सनी को पीट रहे हैं, तो उस वक्त वो मूवी में भी सीन ने हमने दिखाया कि दोनों ही आए थे, तो आने के बाद क्या हुआ, पुलिस आ गई, कॉलेज वालों ने तो पुलिस बुलानी थी ना कि कॉलेज में पंकज झगड़ा हुआ है, तो पुलिस आती है, पुलिस के बाद पुलिस के जो मेरे पापा है, पापा भी आते हैं, इसके पापा आते हैं, सारी फैमिलीज आ जाती हैं, तो पुलिस वाले को पापा ने बोला कि यार एक मेरे बेटे को बचाओ, इन लोगों ने ये केस, उन्होंने केस कर दिया था इसकी फैमिली ने कि हमारी लड़की को तंग करता है, परेशान करता, आज बोलने आया था कि अगर तू मेरे साथ नहीं भागी तेरे को मैं जान से मार दूंगा, तेरे मतलब बहुत कुछ ऐसा था जो कुछ बोल भी नहीं सकता, ऐसा बोल दिया था इसको, तो ऐसा केस बन दिया। पुलिस वाले ने बोला कि अगर ये केस वो लड़की करती है, बयान दे देती है, तो तुम्हारे बेटे को आज ही हम लेकर जाएंगे कोर्ट में पेश करेंगे, सीधा जेल जाएगा, क्योंकि इसका ऑप्शन ही नहीं है कि आप जमानत भी नहीं करवा सकते इतनी जल्दी, क्योंकि लड़की का केस है। तो फिर उसके बाद इसका बयान हुआ, बयान से पहले इसकी फैमिली ने बोला कि बयान तो नहीं यही देना है, ये कहती मैं क्यों दूँ ये बयान जब हमारा ऐसा कोई प्लान ही नहीं था, तो इसने बयान दे दिया कि ना वो मुझे तंग करता था, ना वो मुझे छेड़ने आया था, ना भगाने आया था। बयान के बाद जब ये बाहर आई, उसकी फैमिली को पता चला, ये बयान दे, गाड़ी में बैठे उसकी फैमिली और इसकी मम्मी खड़ी थी, इसके पापा ने उसी वक्त बोला अगर तू गाड़ी में नहीं बैठेगी मैं तेरे को भी छोड़ दूंगा, मैं आग लगा दूंगा, जो भी बोला, पर इसको मैं अपने घर में नहीं घुसने देता। उन्होंने गाड़ियाँ उठाई, चले गए। अब वो चले गए तो यहाँ ये कहाँ जाती, तो ये सिचुएशन में हम फंस गए। तो फिर पापा ने बोला कि यार लड़की ने तेरे हक में बयान दिए हैं, इसको तो नहीं छोड़ेगा, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, इसने बयान दिया था ना, इसको सड़क पे नहीं छोड़ सकता मैं। अब जो यू थिंकिंग लाइक दैट, क्या आपने, मैंने भी ये, मैं तो गाड़ी में पड़ा था ना, चोटें लगी थी, वो पापा ने प्लानिंग की, आपके पापा, मेरे पापा ने, हाँ ओके, मेरे पापा ने ये प्लानिंग की कि अब उस लड़की ने तेरे पे एहसान कर दिया, उसकी फैमिली तो चली गई थी, उसकी तो चली गई, मेरी फैमिली रह गई, फैमिली छोड़ के चली गई थी, अब तू हमारे लिए मर गई, आज से तू जहाँ मर्जी जा, शादी कर या कहीं और चली जा, जो मर्जी कर, हम तेरे को नहीं देखेंगे। हाँ, तो फिर इनके पास कोई ऑप्शन, और वो पुलिस में भी बोल कर आए थे वहाँ कि ये लड़की हमारी तरफ से बेदखल है, अब मैं वार्निंग दे रहा हूँ, ये हमारे घर नहीं आनी चाहिए। वो पुलिस वालों, और आपकी इच्छा जो करना करना, हम तो कानूनी कार्रवाई कर देंगे उसके बाद। तो फिर मेरे पापा ने क्या किया, इसको गाड़ी में बिठाया जिसमें मैं भी पड़ा था, हमारी गाड़ी में उठाई और सीधा कोर्ट गए। कोर्ट में हम दोनों की शादी होगी, ये उस वक्त देख रही थी कि कैसे इनकी, इसकी आंखों के सामने ही मैं चला गया, शादी होगी। फिर इसने भी अपना क्या किया, फोन फान जो था वो सब कुछ तोड़ दिया था, टोटली फोन सिम सब कुछ। लेकिन गलती ये कर दी थी कि गलती क्या, गुस्सा होता है यार बंदे को, इसने फेसबुक पे ना हम दोनों की शादी जो फोटोज थी साथ में घूमने की, ये वो सब कुछ अपलोड कर दिया था, सब कुछ टोटली, क्योंकि अब तो शादी होनी, विश्वास ही हो गया था। तो फिर उसके बाद हमारी बात नहीं हुई, एक साल बात नहीं हुई, एंगेजमेंट हो चुकी थी यार मेरी, एक साल बात नहीं हुई। वो इसकी फैमिली से पापा की जो बात हुई, उसके बाद इसके पापा ने भी बोल दिया अब नहीं इससे कोई लिंक रखना, छोड़ो, खत्म करो, खत्म हो गया सब कुछ। इसको बोलते छोड़ के पढ़ाई वापस आ जा, तुझे बहुत पढ़ा लिया, ये बातें भी हो गई थी। चलो कुछ टाइम बुलाया भी था, फिर उन्होंने पढ़ाई करवाई है। चलो फिर उसके बाद जब इसका रिश्ता हुआ, इन्होंने ना स्किप कर दिया कि पहले भी इसकी एंगेजमेंट हो रखी है, ये बात आगे बताई नहीं। वो लड़का मेरे ख्याल यूके से था, फॉरन से था,
तो ऐसा वो बताया नहीं। फिर वो लड़के को रिश्तेदार होते हैं ना, जो उन्होंने पिक्स भेज दी इसकी जो फेसबुक पे पड़ी थी, वो फेसबुक से इसने डिलीट नहीं की, पासवर्ड इसे भूल गया। जब सिम तोड़ा था ना, सिम इसके दादा के नाम था, दादाजी एक्सपायर हो गए थे, वो सिम दोबारा निकल नहीं सकता था, ओटीपी आ नहीं सकता था, इसने इग्नोर कर दिया। इसने भी ध्यान नहीं दिया कि पड़ी है जो पड़ी रहने, तो मेरी कौन सी, मैं फेमस हूँ जो आईडी बस सामने आ जाए। ऑब्वियसली कौन इतना होता ही नहीं। और आपने भी डिसाइड कर लिया था कि मूव ऑन करना है चीजों को, अब एक साल हो गया था ये तो चुपड़ी रही दिमाग में, अब क्या करती है, हमारा कुछ प्लान नहीं। अब हमें तो पता नहीं, दो शादी भी हो सकती थी ना, मुझे ना इसको कोई आइडिया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर एक साल बाद दोस्त का फोन आता है, मेरा एक दोस्त था जो हम सबका कॉमन दोस्त था, तो उसका वो इसके टच में भी था उस वक्त, मैं नहीं था, तो उसका फोन आता, वो काम से लुधियाना चला गया, शिफ्ट हो गया था, वो कम ही बात करता था। फिर उसका फोन आया, कैसा है, मैं बढ़िया हूँ। कहता तेरे को मानसी का पता चला कुछ, मैं क्या हुआ, कहता उसका ना दो रिश्ते टूट गए। मैं दो रिश्ते टूट गए क्यों, क्या हो गया उसको, कहता पहला रे, कहता दोनों ही रिश्ते तेरे कारण टूटे हैं। मैं कहा मेरे कारण क्यों, कहता तुम लोगों की जो फेसबुक पे पिक्स पड़ी थी वो पिक्स के कारण, पहला रिश्ता ऐसे टूट गया, उसने उन्हें स्किप कर दिया था, दूसरा रिश्ता ऐसे टूटा, कहते कि चलो एंगेजमेंट तो रखी थी लेकिन उन्होंने दूसरा रिश्ता भी स्किप कर दिया था, फिर उन्होंने जो यूके से टूटा था वो बोलते कि दो रिश्ते टूट रखे क्या, अब इसमें क्या खोट है। तो ये चीज़ें बहुत इन्वॉल्व कर गई, तो उसके कारण जो तीसरा रिश्ता हो रहा था उसके बाद भी हो रहा था, वो रिश्ता ऐसी जगह हो रहा था, ये पढ़ी लिखी वो शायद दसवीं नहीं पढ़ा हुआ था, तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज मैरिज, कॉम्प्रोमाइज। तो मुझे जब वो पता चला, फिर मैंने कहा इसका नंबर दे, मेरे पास नंबर नहीं था उस वक्त, मैंने नंबर लिया उस दोस्त से, इसको कॉल की, कहती हाँ मैं लड़के से शादी हो रही है, लड़का बहुत अच्छा है, मुझे झूठ, यही बोल्डिंग मैंने मूवी में भी डाली है, इसने ये झूठ बोला था। फिर मैंने बोला क्यों झूठ बोल रही है, फिर रोने लगी ये, तो फिर मैंने कहा यार मेरी वजह से ना लाइफ खराब होगी, इसको सारी स्टोरी पता थी, हमारा पहले ऐसे एंगेजमेंट हुई और मैंने खुद बोला था कि तू शादी कर ले, इसको सब कुछ, और इन्होंने बोला था आपको कि यू शुड मैरी। फिर मैंने इसको ना, मैं बैठा हुआ, बड़ी कंट्रोवर्सी है, कहां कहां से चीजें निकली हैं यार। मेरे को पूछा कि आप उदास क्यों बैठे हो, ऐसे तो नहीं बैठते हो आप, कुछ ना कुछ करते रहते हो, कुछ ना कुछ की मैं ये करूंगा वो करूंगा प्लानिंग करते हो, आज आप चुप बैठे हो। मैं कहा मेरी मानसी से बात हुई, फिर ये भी थोड़ा सा होगी ना कि तेरी मानसी से बात हुई, क्या बात हुई। फिर मैंने सारी स्टोरी बता दी कि उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ, कि मैं कहा यार मेरा ना मन ऐसे कर रहा है, मैं मानसी को लेके भाग जाऊँ, मैंने इसके ऐसे बोल दिया था, उस मेरे मुँह से निकल, मुँह में से निकल गया, कहते वो भागना क्यों, आप ले आओ हम साथ रह लेंगे। तब दिमाग में मेरे भी घूमगी, फिर वो चीज़ हो जाती है ना, घूम जाती है यार। फिर मैं सपोर्ट आ गया, हाँ सपोर्ट आ गया कि इसको, इसने ये बात मुझे बोल दी, और इसने बोला कि, मैं कहा यार, फिर मैंने ये पूछा, मैं कहा तू बोल तो रही है बेटा, रह नहीं सकते ऐसे ना, तू रह पाएगी, कहती अगर उसकी लाइफ खराब हो रही है तो तीनों की होने दो ना, फिर ये होगा देखा जाएगा, कोई बात नहीं। मैं कहा देख ले, फिर ऐसा ऐसा बोला, फिर मैंने अपने फैमिली को भी बता दिया था, वो मारेंगे जुत्ती तेरे पे, कैसी बात है, चल बकवास कर रहा है ये वो। तो फिर भी थोड़ा सा मैं रुक गया था, लेकिन फिर जब मुझे पता चला इस यार इसकी, तू कैसे होगी इसको ऐसे ऐसे बोलने लगे। फिर उसके बाद फिर थोड़ा बहुत मुझे पता चल रहा था कि ऐसे इसका हो रही है, ये प्लानिंग है, वो लड़का ऐसे काम करता है, उसका घर ऐसा है, पिक्स वगैरह दोस्त, वो भी एक दोस्त था ना वो भेज देता था ऐसे ऐसे, ऐसा घर है भाई उसका ऐसा। फिर वो नहीं यार ऐसे घर में जा रही है यार, इसका तो इससे अच्छा था इसका अपना घर है। फिर वहां से मेरा दिमाग घूमा, मैंने इसे बोला, फिर इसके साथ इसके घर वालों को भी मैंने बोल दिया था, मैं तो भी मैंने शादी करनी है दूसरी, मैं दोनों को रखूंगा। इसके घर वालों ने इसके फोन वगैरह सब छीन लिए थे, कैसी चक्करों में पड़ रहे हो यार, हमें कंफ्यूज कर दिए थे, ये होता ही नहीं है दुनिया में तुम लोग का। मैं हमारी बेटी भी थी उस टाइम पे मेरे पास, एक साल की, एक डेढ़ साल की थी, तभी वो साथ तभी गए थे ना वो तुम। हाँ। तो उसके बाद फिर मैंने कहा बेटी थी, देन आल्सो यू मेक द डिसीजन, है ना, कैसे कर लिया ये, आम बंदे के मन में कैसे आ जाती है, मतलब आप बता सकते हो आपकी फीलिंग क्या थी उस टाइम पे? फीलिंग कुछ भी नहीं, एक्चुअली ये था क्योंकि सब कुछ हुआ तो मेरी वजह से था ना, अगर मैं ना इनको फोर्स करती तो ये नहीं करती, ये फौरन चले जाते, पर हुआ मेरी वजह से था। मुझे ये था कि अगर हम तीनों खुश रहें, तीनों एक साथ रहेंगे या तो खुश रह लेंगे या मर जाएंगे, कुछ भी होगा एक चीज होगी, या तो आबाद होगे या बर्बाद होगे, कम से कम तीनों साथ तो है, ये तो नहीं है कि किसी एक की जिंदगी पूरी खराब कर दी और हम दोनों खुशी से रहेंगे। अगर हम लोग अकेले भी रहते तो हम वो खुश नहीं रह पाते, क्योंकि हमने किसी की जिंदगी खराब करके हम लोग आगे चले हैं, तो वो चीज कभी मेरे को तो उस वक्त मतलब इसको कुछ समझ नहीं आया, मौके पर जो इसके मुंह से निकल गया वो मैंने क्लिक कर ली बात, तो वो बात मैंने इसको बार बार बोलने लग गया, तो वो हमारे दिमाग में वो चीजें घूमने लगी, हम उसी में ही चले गए, हम भूल गए दुनियादारी, सब कुछ भूल चुके थे उस वक्त। ये था जैसे पिक्स आती थी
तो हम उसी चीज में ही उलझ गए। हमें नहीं दिख रहा था बाहर क्या और दुनियादारी ये वगैरह सब कुछ मैं भूल चुका था। फिर इसका एड्रेस भी नहीं था मेरे पास, मैं इसके घर ही नहीं गया था। हमारे रिश्ते भी हुए थे ना, एंगेजमेंट यहीं पे हुए थे। हम देखने मेरी फैमिली को कोई एतराज ही नहीं कहीं था। मेरा पापा कहता कि यार कर लो यार, तुम लोग यहीं कर लो, एंगेजमेंट करो, फिर एक मंथ के अंदर शादी रखते हैं, फिर हम वहां जाके आते हैं ये वगैरह वगैरह। हमारी ऐसी प्लानिंग थी कि तुम लोगों ने जाना तो फोर नहीं है, तो वैसे ही थे। मैंने इसके घर तक नहीं देख रखा था, कठुआ तक आया था मैं, मतलब इसके घर के पास सिटी है, वहां तक आता जाता था मैं। तो फिर उसके बाद मैंने इसके घर गया, इसको लाया, हमने शादी कर ली और अब हम तीनों रह रहे हैं एक साथ। ये हमारी स्टोरी है। अभी अगला पार्ट तो आएगा, वो हमने थोड़ा रिवील कर बता भी दिया स्टोरी में अगले पार्ट का, तो हमने पहले ही बता दिया कि ऐसे हम रहे थे, ऐसे ये प्रॉब्लम्स उसके बाद हमें आई है। फेस हुई थी है ना। तो देखो दूसरी शादी जब आपने डिसाइड कर लिया, बट एक होता है ना, आपने फ्लो में बोल दी थी वो चीज, चलो ऐसे कर लेते हैं, उनकी क्यों लाइफ खराब करनी है, उनकी क्यों करनी है, अपनी क्यों कर रही हूँ मैं। तो आपने एक डिसीजन बना लिया, बट जब रियलिटी में इन दोनों की शादी हो गई तब क्या फीलिंग थी? तब भी नॉर्मल थी या कुछ ऐसे जेलस खो दिया? जेलस नहीं बोल सकते एक्चुअली। उस टाइम पे ना माइंड में ये आता था कि इस पे मेरा हक है, अब मेरे को वो चीज बांटनी पड़ रही है। वो चीज ना एक आता है, वो हर एक के में आता है। अगर मेरी जगह अगर ये भी होगी ना, किसके में भी आएगा। मुझे पता क्या हंसी आ रही है, मेरे को लग रहा है इस पॉडकास्ट का मेरे हस्बैंड ना बोले मेरी गर्लफ्रेंड भी थी कोई या मैंने भी करनी है, मेरे को उसकी याद आ रही है, तो ये डर लग रहा है। उसका जवाब मैं देता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड थी या कुछ, मैं ना ये बता देता हूँ, पता नहीं मेरी किस्मत कैसी है कि मैं यहाँ बैठा हूँ। शायद जिस सिचुएशन से आपने पूछा ना कि झगड़ा होता था, जेलसी होती थी, झगड़ा इस लेवल तक होता था कि अभी सुसाइड कर ले, इस लेवल तक होता था कि मारपीट भी चल पड़ती थी एक दूसरे के साथ, कांच भी बोतलें एक दूसरे के ऊपर टूट जाती थी, डंडे टूट जाते थे, इस लेवल तक मतलब बहुत बड़े लेवल तक हमारा झगड़ा चला जाता था। और ये मतलब सुसाइड तक भी गए हम, थॉट तो आया है पूरा प्लानिंग भी कर ही लेनी है यार, कर ही लेनी, सुसाइड कर ले। वो पता नहीं कैसे करते करते, ये एक बात बताऊं, जो पुलिस ने हमें अरेस्ट किया, हमने घर छोड़े, ये हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट नहीं थे, ये हमारे पॉजिटिव चीजें थी हमारी लाइफ। जो हम गाड़ी में सोए ना, जो हमने वो स्ट्रगल देखे ना, उसके बाद हम बिल्कुल ही चेंज हो गए, ये हमारे लिए पॉजिटिव चीजें थी। अगर वो पुलिस ना आती, हमें दो रातें पुलिस मुझे अंदर ना रखती, मेरे साथ मारपीट जो भी हुआ वो चीजें ना होती, उसके बाद घर दूसरे ओनर हमें घर से ना निकालता, उसके बाद गाड़ी में हम ना सोते, तो फिर हम शायद एक साथ नहीं रह सकते थे। फिर हम अपने झगड़े में उलझे रहते, लेकिन हमें और चीजों ने उलझा लिया, हमारी लाइफ और चीजों में फंस गई कि यार हम तो बाद में लड़ेंगे, ये इस चीज से तो फेस करो। तो उस चीज में ये पता चल गया कि जब हमने एक दूसरे का साथ दिया तो हम सब चीजों से निकलते गए। एग्जैक्टली। और वो ही सिचुएशन अगर आप अड़े रहे ना, तभी आप तीनों साथ में हो। अगर जब जैसे जैसे हम निकलते गए, हमें ये पता चलता रहा कि जब हम झगड़ा करते थे हम, हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आई, जब हमने स्ट्रॉन्ग होकर एक साथ चले तो हम सब चीजों को पार करते गए, और पार करते 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 हमारी 2 मिलियंस की यूट्यूब फैमिली भी बन गई, पता भी नहीं चला। और अब ना आप किसी भी वीडियो में कहीं पे भी, हम अगर इवन की हम सोसाइटी में या मार्केट में भी जाते हैं ना, इनको साथ नहीं लेके जाते, हर जगह हम दोनों होते हैं। और हमें कोई भी ऐसे नहीं बोलता कि तुम लोग, मतलब हमें बहने बोलता है कि तुम लोग की शक्ल भी एक जैसी है, सब लोगों को ये थोड़ी पता हो, शायद बहने ही होंगी तो मतलब ये दोनों ही। अब क्या होता है, जब मैं कभी कहता हूँ ना कि चल रूप हम ना यहाँ घूमने चलते हैं, तो भी आज अकेले चलते हैं यार, फिर मानसी के साथ कहीं और चले, नहीं मानसी को हम दोनों चले जाएंगे, आप घर पे रह लो। मेरा ना ऐसा है, मैं घूमने भी जाता हूँ ना, थोड़ी सी बातें कर लेता हूँ, जो चलो यहाँ तो बोल रहा हूँ सबसे ज्यादा, शायद मैं ही बोल रहा हूँ, लेकिन जब मैं कहीं घूमने जाता हूँ या कहीं जाता हूँ ना, मैं शांत रहता हूँ, मैं चीजों को सोचता रहता हूँ, ऑब्जर्व करते हो ये कैसे हुआ, मैं मेरा ध्यान उस पर रहता हूँ उन चीजों पे कि नहीं नहीं ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, मैं वो वहाँ इनसे बातें नहीं करता, कहता तो चुप रहोगे, मैं तो पूरे रास्ते चुप नहीं होती, मेरे को बड़ी मुश्किल से चुप कर रहा हूँ। मतलब हम लोग कोई बात कर रहे हो ना, तो अब ये सुन नहीं रहे, हम बोलेंगे सुन तो लो, कहते तुम लोगों का माइंड नहीं काम करता, तुम लोग सोचते ही हो, ये चीज देखो इसके बारे में सोचो, इसका ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, हम बोलते ही आप सोचो, आप हमें स्त्री घूमने भी जाता हूँ, उसमें से कोई चीज निकालता हूँ, मैं ये देखो यार, जब कोई इंसान भी होता है कि उसने ये चीज अचीव की है, तो मैं इनको समझाता हूँ कि ये भी इंसान है, ये कोई भगवान का अलग बंदा थोड़ी है यार, इसने ऐसा किया, तुम लोग हमने ये ऐसी मेहनत करनी और ऐसा ऐसा कर, कहते हमें नहीं पता। नहीं, वो जब इंसान को एक पाथ दिखना शुरू हो जाता ना, तो फिर वो उसके अकॉर्डिंगली सोचना शुरू कर देता है, सो दैट इज अ गुड साइन एक्चुअली, और वो बहुत अच्छा होना भी चाहिए। जैसे मैम आपने बताया, रूप मैम, कि मतलब थोड़ा जेलस या थोड़ा लगा कि यार मेरे को है ना, ये मेरे बंदे को लेगी है ना, या लगा थोड़ा सा क्लिक हुआ, तो
वो सब एक्सेप्ट करना, क्योंकि उन्होंने तो अपना माइंडसेट ले लिया था कि मेरे पास लाइफ में ऑप्शन नहीं है, मैंने इनके साथ ही रहना है. बट आपको अपना एक पर्सन, हस्बैंड, पति बांटने के लिए और एक्सेप्ट करने के लिए कितना टाइम लगा उन चीजों को? एक्चुअली टाइम तो लगा था, पर मैंने ना एक चीज सोची थी कि अगर मैं अपना हस्बैंड शेयर कर रही हूँ तो वो भी तो अपना कर रही है, तो ये थोड़ा ना कि मैंने अकेली ने किया है. उल्टा अगर मैं उसको अकेली को अपना रही हूँ तो वो तो मेरे को मेरी बेटी के साथ अपना रही है. तो मेरा माइंड में वो चीज थी. उल्टा मेरी, आप मानोगे नहीं, मेरी बेटी मेरे से ज्यादा इसके साथ रहती है, सोना इसके साथ. किसी को ये नहीं पता कि वो मेरी बेटी है, बर्थ मैंने दिया है. सब बोलते हैं कि इसने दिया है, लगती ये है ना. यही बोला था कि ये शायद इन्हीं की बेटी है, मुझे आज पता चला है कि वो आपकी बेटी है. मॉम्स फेयर तो वो किसी को पता ही नहीं लगता कि मैं, मतलब वो उसको बर्थ मैंने दिया है, तो वो रहती इसके साथ है, उसकी हरकतें इसके जैसी है, सब कुछ इस पे गया. खाना पीना भी वही फेवरेट है जो उसका फेवरेट है. टोटली म्यूजिक, इन लोगों को बॉलीवुड म्यूजिक बिल्कुल भी पसंद नहीं. मेरे को तो कोई म्यूजिक नहीं पसंद, लेकिन कोई ऐसे कोई बड़ा गाना अच्छा होगा तो वो, लेकिन मेरे को बड़ा ऐसे काम सा म्यूजिक नहीं होता, जो गाने पुराने सॉफ्ट वैसे अच्छे लगते हैं. और आराध्या को सेम वही चीज पसंद है. हम लोग जब गाने चलाते हैं ना, मैं हम गाड़ी में कहीं जा रहे हैं घूमने, तो वो जो गाना मैं चला दूंगी वो बोलेगी मम्मा ये बड़ा अच्छा है, जो गाना पापा चला देंगे पापा ये क्या है. मैं म्यूजिक से बड़ी मतलब दूर हूँ, मैं नहीं सुनती ये सारी चीजें, मेरे को है ही नहीं कुछ भी ऐसा. तो ये तो दोनों सेम है. अपने यूट्यूब पे हर जगह उसमें वही गाने हैं जो मैं और आराध्या रिपीट मोड पे सुनते रहते हैं बार बार. तो इन दोनों की एक्चुअली ज्यादा आपस में बॉन्डिंग भी बड़ा अच्छा है, मेरी बेटी का और इनका, मानसी का. तो उसमें क्या होता है कि मैं जैसे एक बंदा होता है ना घर में कि डांटने वाला है, स्टडी के रिलेटेड चाहे कुछ भी वो कर रही है गलती, स्ट्रिक्ट, वो मैं हूँ. और ये दोनों उसको बचाने के लिए है, कंफर्ट जोन देते हैं. फंस जाती है ना तो ये दोनों आ जाते हैं कि तू क्यों इसको डांट रही है, इसलिए वो उधर को भागती रहती है. प्यार फिर वहीं पे हो गया ना बच्चे का. वो उसको शुरू से ही उसके साथ है, जब वो स्कूल में भी नहीं लगी थी ना तब से उसके साथ है. सो स्वीट है, होना भी चाहिए. ऐसा नहीं है इसके बिना भी बिल्कुल नहीं रहती, नहीं, वो हाँ. रहती बिल्कुल नहीं. बस ये बोलते कि रूप मम्मा तो डांटती बहुत है, मुझे भी बोलते पापा. तो आप दोनों को मम्मा बोलती है? हाँ, दोनों को मम्मा. मेरे को रूप मम्मा, मानसी मम्मा. ऐसा नहीं कि बड़ी छोटी मम्मा, रूप मम्मा मानसी मम्मा इक्वल रखा है. अच्छा, बच्चे को बचपन से समझ है उस चीज की कि मेरी मम्मा है और मेरी दो मम्मा है, है ना, तो वो पूरा क्लियर है. उसको बोला, हमने ऐसे ही बोला कि मैं ना चले, हम बोल रहे थे कि हम ना पापा ऐसे मजाक में पापा की एक और शादी कर देते हैं, तू तो मेरे को मम्मा बोलती नहीं है क्योंकि मैं तेरे को डांटती हूँ. नहीं, अब जैसे भी हो मुझे यही दो मम्मा चाहिए और कोई नहीं चाहिए. मतलब वो ऐसे, मैं कभी कभार वो बोलते ना ये मम्मा वो मारती है, इसे छोड़ देते हैं और ले आते हैं, पापा बस यही मम्मा है, मुझे यही चाहिए और कोई नहीं चाहिए. अब बोल हाँ. तो अभी मतलब इन दोनों के साथ ही उनके अटैचमेंट जो है उसका मतलब बन गया, बस हमारी यही फैमिली और यही रहेगी. हाँ, बच्चे आएंगे, बाकी हमारी फैमिली यही रहेगी. टचवुड, भगवान करे, बस तरक्कियों पे रहो आप अपनी फैमिली के साथ. अब मैं थोड़ा आपकी जर्नी से हट के कुछ क्वेश्चंस पे आऊंगी. आपसे पूछती हूँ सनी सर, आपके दिल के अरमान पूछना चाहती हूँ मैं. वो वाला बिग बॉस वाला अरमान नहीं, पर चलो उसकी बात निकल आई, चलो उसके बारे में बता दो. क्या सोचते हो आप मिस्टर अरमान मलिक के बारे में? एक्चुअल में क्या है कि स्टार्टिंग में ना मैं उसके बारे में कुछ सोचता ही नहीं था शुरू में. तो एक दिन उसका ना हमारी वीडियो पे कमेंट आता है, हमारी वीडियोस पे उसका अरमान मलिक का भी कमेंट आया था, जिसमें हमने बोला था कि चलो हमारी दो शादियाँ होगी, क्योंकि दो शादियों को मैं कभी प्रमोट नहीं करना चाहता. और मैं आज भी बोलता हूँ जो बंदा दो शादियाँ करवाना चाहता है, जो भी बंदा करवाना चाहता है वो करवाए, जिसको इस दुनिया से जाने की जल्दी है, ठीक है, जिसमें मरने की हिम्मत है कि मैं 6 महीने में ही मर जाऊंगा, जिसने मरना है वो करवा ले, जिसने खुद तो मरना, 2 जिंदगियां और भी खराब करनी है वो भी करवा सकता है. तो ऐसे ही कुछ मैंने वीडियो बना के डाल रखी थी, उस पर अरमान मलिक ने पता नहीं कैसे कमेंट कर दिया यू आर राइट. तो ठीक है, फिर मैंने ये बंदा उसने ये बोला था कि अगर कोई फेक होगा तो वो अलग हो जाएंगे, दिख जाएगा. तो उसके बाद फिर चलो थोड़ा टाइम बीता हमारा, टाइम बीतने के बाद हम मैंने कोशिश की उसके साथ कांटेक्ट करने की, कि होता ही है ना, हम छोटे से एक इन्फ्लुएंसर थे तो हमने सोचा कि यार वो बबड़ा बंदा, उसने भी शेम हमारे जैसे मेरे साथ दो शादियां कर रखी है तो शायद कोई सपोर्ट भी कर देगा. तो होप हो गई थी, मैं तो वैसे होप के आज से खिलाफ हूँ, 2 दिन से जो मेरे साथ इंसिडेंस हुआ होप नहीं रखनी चाहिए. तो मैंने होप के कारण उसको मैसेज किया, मेल किया, उन्होंने इंस्टाग्राम पे सीन भी किए हैं कुछ चीज़ें, लेकिन रिप्लाई नहीं किया उन्होंने, तो रिप्लाई नहीं किया मैंने छोड़ दिया था.
मैंने इग्नोर ही किया, जब वो सीन कर लिया जाए तो सीन ना करते, जब वो चीज़ें उन्होंने सीन कर ली उसके बाद उसने इग्नोर कर दिया। मैंने बोला सर आपसे मिलना चाहते हैं, एक दो आपके साथ वीडियोस बनाना चाहते हैं, ऐसे ऐसे कुछ मैसेज थे मेरे, उन्होंने सीन करके इग्नोर कर दिया, फिर मैंने भी इग्नोर कर दिया। और मैंने ऐसा भी नहीं बोला कि वो बंदा गलत है अगर मेरा रिप्लाई नहीं किया, मुझे क्यों बोलूं यार, उसकी इच्छा है, मुझे कोई मैसेज करेगा मैंने किसी के साथ वीडियो बनानी वो मेरी इच्छा है, वो गलत क्यों है। लेकिन अब लोग वो बिग बॉस में गए हैं, मैंने तो कभी उनको ऐसा अच्छा बुरा नहीं बोला। बिग बॉस में उन्होंने क्या किया, कृतिका ने शायद एक वीडियो में बोला कि एक यूट्यूबर है और उसका मैं नाम नहीं लेना चाहती, उसके वो ना अपनी दो बीवियों के साथ ऐसे बोलता है हेलो गाइस सोया होता है और उस लेट के बोलता है हेलो गाइस गुड मॉर्निंग ये वो वगैरह वगैरह। तो मुझे वो क्लिप किसी ने भेजी, मैंने देखा और मैंने सर्च किया पूरे यूट्यूब पे, वो और कोई यूट्यूबर है ही नहीं हमारे अलावा, यार अरमान मलिक के अलावा ऐसे होंगे छोटे मोटे लेकिन कोई था नहीं। तो मुझे फील हुआ कि यार ये तो मेरे को ही बोला गया एक हिसाब से, मुझे ऐसा लगा। तो मैं फिर मुझे वहां पे बड़ा फील हुआ कि बोल कौन रहा है मेरे को, मुझे पायल बोलती तो शायद मुझे बुरा ना लगता, क्योंकि वो फर्स्ट वाइफ थी, उन्होंने जैसे भी, अब इनकी जो शादी हुई है मर्जी से हुई है, लेकिन उनकी शादी ऐसी हुई है कि शादी करवा के बताया मेरी शादी हो गई है, और 1.5-2 साल वो खुद बोल रहा है कि पायल उसके साथ छोड़कर चली गई थी, उनकी ये भी स्टोरी है कि चली गई थी, इन वो खिलाफ थी, और सबसे बड़ी बात सहेली थी। अब मेरे घर में आया यार कोई आएगा, हम उस पर घर पे क्यों बुलाते हैं किसी को, विश्वास होता है ना, और तू बोलेगी मेरे को दो शादियों वाले, तू विश्वास तूने किया क्या, तूने सबसे पहले एक विश्वास तोड़ा, दूसरा अपनी फ्रेंड जिसने तेरे पे इतना विश्वास किया, ट्रस्ट किया, का नंबर तक शेयर कर दिया, तो उन्होंने उस पे उसको ही छुरा मार दिया। क्योंकि देख शादी करना मतलब शादीशुदा के साथ वो आसान नहीं होता, मैंने खुद करके बैठा हूँ, लेकिन मैं कर, लेकिन मेरा सब कुछ क्लियर था, बता कट था, कोई दोस्त नहीं सहेली नहीं, मैंने धोखा किया, मैंने अपनी दोनों बीवियों के साथ शायद धोखा किया होगा, लेकिन इन्होंने एक दूसरे के साथ कोई धोखा नहीं किया। तू कैसे मेरे को बोलती कि सनी है वो बंदा यूट्यूबर ऐसा, तूने तो खुद अपनी सहेली के साथ धोखा करके किसी का हस्बैंड छीन लिया। तो मतलब अरमान के बारे में भी मैं कुछ अच्छा बुरा नहीं कहता, पायल के बारे में भी नहीं कहता, लेकिन जिसने मेरे बारे में बोला मुझे वो बहुत पिंच की बात कि यार तू क्यों बोल रही है, अपना पास्ट भी तो देखो, पास्ट की कैसा है, पायल की ऐसी वीडियोज नहीं है इतनी, लेकिन कृतिका की आप वीडियोज देखो। तो बोलने से पहले मुझे लगता है कि ये चीज सोचनी चाहिए कि मैं पहले अपने आप को ऐसे देखूं मैं क्या हूं तो वो क्या है, उसके हिसाब से बोल दो आप किसी को भी। बाकी अरमान के बारे में मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि वो अच्छा है या बुरा है, क्योंकि उसने कभी कोई मेरे को ना कमेंट किया ना कुछ बोला है, ना पायल ने बोला, उनकी अपनी लाइफ है, और मैं यही चाहता हूँ जिसकी जो लाइफ वो अपनी लाइफ जी रहा है, किसी को क्या कुछ बुरा बोला बोला, लेकिन कृतिका ने बोला था तो मैंने एक वीडियो उस पर बनाई थी। क्योंकि अगर कोई हमें बोलेगा ना, हम पहले तो किसी को कुछ नहीं बोलेंगे, अगर कोई आगे से हम पे कुछ बोलेगा तो हम चुप नहीं रहेंगे, हम जरूर उसको बोलेंगे वापस। हाँ तभी बोल सकते हैं, ऐसे तो कोई बंदा बोलता भी नहीं है। यार कभी कभार ना हमारे पे ऐसा होता है कि हम बहुत से लोग जो होते शरीफ होते हैं, मतलब उनके मतलब हम शरीफ सभी शरीफ होते, लेकिन कुछ ऐसे होते जो भगवान के साथ ही रिलेट करते हैं, ऐसे अच्छे कंटेंट डालते हैं जो कुछ, कभी कभार वैसे लोगों ने भी हमें बोला है, मैंने उनको कभी रिप्लाई नहीं किया। रिप्लाई क्यों नहीं किया कि यार वो ठीक है, उनको जो अच्छा लगा उन्होंने अपना ओपिनियन दे दिया, उनको जो अच्छा लगा, लेकिन मुझे वो बोले ना जो खुद सही हो, तू अपनी तरफ देख फिर बोल सकती है मेरे को, तो उनको मैंने रिप्लाई किया। अदरवाइज हमें और भी बहुत लोग बोलते हैं, मैं उनको रिप्लाई नहीं करता, कोई बात नहीं यार, शायद तेरे को ये चीज़ अच्छी लगी है, तेरी समझदारी है, तूने बोला तूने अच्छा ही बोला होगा, मैं उनको नहीं कभी रिप्लाई करता। पर एक मैंने चीज नोटिस करी है आपके कमेंट्स में भी देखा है, जब से पायल कृतिका अरमान बिग बॉस में गए हैं तो आप तीनों को उनके कंपैरेटिवली एक बोलते हैं ना, वो तो चले गए आपको पीछे से, वो आपको एक अरमान कृतिका और पायल का टैग दिया हुआ है उन्होंने, तो वो सोच रहे हैं कि उनकी वजह से आप लोग फेमस हो रहे हो या आप कॉन्ट्रोवर्सी में आ रहे हो, तो इस चीज के बारे में आपने नोटिस करके आपको व्यूअर्स को क्या बताना है कि सच में ऐसा है कि उनकी वजह से आपको पब्लिसिटी मिल रही है? नहीं ऐसा देखो, उनकी वजह से हमें कोई नहीं मिल रही पब्लिसिटी, क्योंकि देखो दो शादियां उसने की है, अब जैसे मान लो बहुत सारे ब्लॉगर है यूट्यूबर है ठीक है जिनकी एक एक वाइफ है, तो उसका मतलब ये तो नहीं हो जाता कि जो पहला कपल होगा कि उसकी उनकी वजह से दूसरे को मिली है, दूसरे की वजह से तीसरे को मिली है, हर एक ने एक अपने हिसाब से आए हैं। उन्होंने स्टार्टिंग कहाँ से किया, जब उनकी फर्स्ट वीडियोज आई थी ना स्टार्टिंग में, वो जिम में जाते थे, स्टार्टिंग ही जिम से किया उन्होंने, जिम में जाते थे ऐसे ऐसे कपड़े पहनते थे, उसी को घूमते रहते थे। लेकिन हमने स्टार्टिंग कहाँ से किया, कॉमेडी की है, कॉमेडी में लास्ट में हस्बैंड को रोता दिखाया, लोगों को हंसाया, ठीक है, उस रोने का मतलब ये होता है कि दो शादियों के बाद हस्बैंड सचिव, मैंने ऐसी ऐसी वीडियोस बनाई जिसमें मैं अपने आप को पागल दिखाया, भाई मैं पागल हो जाऊंगा मर जाऊंगा, लेकिन लोगों को हंसाया,
हमने किस कॉमेडी के बेसिक मैसेज दिया है कि भाई दो शादियां करना है ना बेटा, तो ये हंस रहे हो मुझे देख। यू आर टॉकिंग अबाउट रियलिटी कि ऐसा ऐसा होता है, ये पक्का होता ही होता है। हम इस वे से आए, हमने कोई कॉपी नहीं किया। वही बात होगी, अगर कॉपी तो पहला जो कपल होगा वो यूट्यूब पे आया होगा, तो दूसरा कपल ऐसे ऐसे कॉपी तो नहीं हो सकता ना। हर किसी का अपना पहचान। कॉमेडी वे से ना लोगों को समझा देते हैं कि ये गलत है, अगर सही में आपको बताए। और हमने हमारा हमारे कंटेंट देखना, हमारे बिल्कुल अलग होते हैं, बिल्कुल ही कोई बहुत दूर दूर तक तो कोई भी वो नहीं होगा उनके। बाकी कभी कभार इनका झगड़े की हो जाती है, वो हमारा प्रैंक होता है, कहते हैं कि ये कॉपी कर रहे हैं प्रैंक। एक घर में दो बीवियां रहेंगे तो उनमें सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा चीज क्या होगी लोगों के दिमाग में, क्या इनका झगड़ा नहीं होता? हाँ बिल्कुल, यही चीज कॉमन होती है ना, तो उनका झगड़ा नहीं होता। तो जब इनका झगड़ा होता है, हम प्रैंक में करते हैं, सबसे ज्यादा व्यू हमारे उस पे आते हैं। हमें वो चीज़ हमने एक्सपेरिमेंट किए, हमने कॉपी नहीं किया, क्योंकि लोगों को पता है कि जब घर में दो बीवियां तो झगड़ा होगा। फिर कंटेंट तो बनाना ही है ना, तो आप तो नोटिस वही करोगे जो आपको लगेगा कि मेरे व्यूज उसमें ज्यादा आ रहे हैं। आप लोग हमें खुद आइडियाज देते हो कि हमें इस रिलेटेड बनाना चाहिए, तो हम वो बना देते हैं। हमें कमेंट भी आते हैं, हम बना देते हैं। बाकी क्या है कि यार कभी कभार लोग नेगेटिव करते हैं, पॉजिटिव करते हैं, बट अभी ना कुछ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। मैं बता दूं कि हर एक लोगों की अपनी सोच होती है। जो लोग वेले होते हैं, अब जैसे मैं हूँ, मैं किसी का वीडियो देखता हूँ, मैं पहले भी देखता था, अब भी देखता हूँ, हम देखते हैं, चाहे वो बुरा कर रहा है अच्छा कर रहा है। अगर लीगल होगा तो वो ठीक है, अगर इलीगल होगा गवर्नमेंट देख लेगी उसे, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो गलत कर रहा है भगवान देख लेगा। हम खुद कैसे भगवान बन जाए कि यार जज कर रहा है, ऐसा है तो ये कर रहा है वो, मतलब वो वेले बैठे हैं, वो चीज लोग करते हैं ऐसी चीज। एक्चुअली अब ना हमें ऐसे कमेंट भी आते हैं, कहते कई बार ना भैया हम ना थोड़े उदास होते हैं, और हम आपकी वीडियो देखते हैं ना, हम इतना हंसते हैं, हम इतना हंसते हैं ना, यार इनका ना लास्ट वाला जो डायलॉग है ना, कौन सा है आप बोल के ही बता दो, और करवा लो दो शादियां। तो बड़ा हंसते उसमें, थोड़ा सा फनी बोल दो, और करवा लो दो शादियां, कुछ इस वे से बोल देता हूँ। तो लोग भैया आपका वो जो डायलॉग होता है ना, कहता एक का तो कमेंट आया था, कहते मेरे हस्बैंड से झगड़ा होगा, मेरा हस्बैंड फोन उठा कर आया, आपकी रील लगा ली, मैं देखते देखते जब लास्ट हुआ ना, भैया ने बोला और करवा लो, तो कहते मेरी हंसी आ गई। तो मतलब सो स्वीट, दूसरों के चेहरे पे स्माइल आना भी बहुत बड़ी बात है आजकल की लाइफ में तो बहुत ज्यादा। बट आपकी ना कॉन्ट्रोवर्सी जैसे हो रखी है पब्लिसिटी वे में, बहुत फैल रही है विद द अरमान सर, अरमान मलिक, उनके जो भी पूरी फैमिली है, कि उन्होंने आपको पिंच किया, एक पिन पॉइंट दिया कि आपने अपनी वीडियो में बताया कि वो दोनों बीवियों के बीच में बैठ के व्लॉगिंग शूट करता है। yes. तो उसमें पर्टिकुलरली आपने काफी कुछ उनको बोला। yes. तो वो क्या प्रसेप्शन ऐसा था कि आप उनको हिट बैक कर रहे थे, और आपको बुरा लगा उनका कि यार ये मेरे को हमें क्यों पिन पॉइंट कर रहे हैं कि वो आपकी वजह से कंट्रोवर्सी ले रहे हैं, आपको कंट्रोवर्सी में डालना चाहते हैं? वो मुझे भी नहीं पता क्यों उन्होंने इतने बड़े नेशनल टेलीविजन पर जाकर ये चीज बोली। आज तक उन्होंने अपने ब्लॉग में कभी हमारे बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन वहां जाकर उन्होंने बोला। दैट इज माय क्वेश्चन, अगर हां बिल्कुल आप समझ गए। वो चीज बड़ी फील हुई कि आज तक आप लोगों ने यहां कभी कुछ भी नहीं बोला, लेकिन वहां पे बोल रहे हो हमें। तो वो मैंने इसी कारण रिप्लाई भी किया। अब उन्होंने एक चीज बोली, ये अरमान मलिक ने ना ये बात ना पहले भारती के एक पॉडकास्ट में बोला था, कि अरमान ने बोला था मैंने अपनी बीवियों को कभी ऐसे करके खाना भी नहीं खिलाया। ठीक है, तो मुझे वो वही चीजें प्रकृति का बोल रही है। ये बोला पहले गुड मॉर्निंग बोलता, फिर कहते हे भगवान हमारे पति ने ना आज तक कभी ऐसे खाना भी नहीं खिलाया, ये ऐसी टाइप उसमें बोली थी। क्या गलत है मैं अपनी वाइफ कैसे खाना खिला? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक हस्बैंड अपनी वाइफ कैसे खाना खिला देगा, उसमें क्या गलत है? तो फिर मैंने उनको एक रिवर्ट किया था कि हम तो खाना ही खिलाते हैं, आप लोगों को क्या क्या चीजें खिला रहे हो, क्या कर रहे हो, वो सारी वीडियोस पड़ी है। सो आप इतने शरीफ समझदार ना बने, और नेशनल टीवी पे आप जाकर बोल रहे हो आज तक यहाँ आपने कभी हमें कुछ बोला ही नहीं, तो ये चीज हमें थोड़ा सा हुआ था, तो हमने रिप्लाई एक कर दी। बट चलो, आपकी तो फैमिली वीडियोस वायरल होती हैं या सब चीजें रहती हैं, बट जैसे उनकी कई वीडियोस में आपने देखा होगा या वहाँ पे भी देखा है, बिग बॉस में भी अभी वो हैं, तो वहाँ पे वो जिम करते हैं, जिम करते हुए उनको जूम इन जूम आउट करा जाता है, और वहाँ पे एक कृतिका के ऊपर किसी ने कमेंट भी किया था, लोग आपको भी कमेंट करते होंगे आपकी वाइफ के ऊपर, है ना, तो वहाँ पे भी एक पर्सन ने सिर्फ इतना बोल दिया, जैसे मानसी मैम है या रूप मैम है, उनको कोई बोल दे कि अच्छी लग रही है, आप किसी रियलिटी शो में गए हो, सो यू कैन ऑल्सो स्लैप द पर्सन कि इस वजह से आप वो बोल दो। अकॉर्डिंग टू मी ना वो एक अपने ऊपर ना वो ले फुटेज लेना चाहता था अपना सारा ध्यान पूरे, क्योंकि पूरा इंडिया वर्ल्ड देख रहा है, तो उसको एक अलग चीज करनी थी, उसको कोई मैटर नहीं है मेरी बीवी को किसी ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू मुझे जो लगता है उसे अपनी वाइफ को नहीं था कि क्या बोल दिया, उसे एक मौका मिला था कि अपने आप को कुछ अलग पेश करने का, क्योंकि वो थप्पड़ की तरह आज आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो
कि ऐसे ऐसे थप्पड़ मार दे, क्यों पूछा? क्योंकि वो थप्पड़ ही मेन पॉइंट बन गया एक उसका वायरल होने का, तो उसने सिर्फ वो चीज की नहीं, अदरवाइज तो कितना कुछ हो रखा है उसके लाइफ में। स्टंट था, एक पब्लिक स्टंट था उसका अपना होगा, हाँ, कि मैं अपने आप को मतलब फेमस करना चाहता हूँ। लेकिन अब ये गलत बात क्या होगी, अगर मैं भी किसी रियलिटी में शो में जाता हूँ तो एक क्या होता है, वहाँ एक फैमिली मेंबर्स बन के हम रह रहे हैं, एक घर बोला जाता है कि वो बिग बॉस का घर है, तो हम एक घर में रह रहे हैं, हम फैमिली मेंबर है अभी सारे। तो अगर वो भाभी भी बोलता, अगर अपने भाभी को बोलता मुझे भाभी अच्छी लगती है, तो मुझे तो नहीं लगता कि उसमें कुछ गलत होगा यार। मुझे वैसे भी बोल रहा, बहुत लोग ऐसे ही बोल देते हैं यार, रूप ज्यादा क्यूट लगती है, मानसी की ये बातें बहुत अच्छी लगती है, और मतलब लोग बोलते हैं, तो मैं उसमें बोलेंगे यार यू आर यू नो शोइंग योर पर्सनल लाइफ पब्लिकली, तो एवरीबॉडी आपको भी बोलेंगे। और ये गुड कमेंट होता है कि हमें कोई बता रहा है कि आप सुंदर लग रहे हो, तो ये हमें वो तो गलत, हमें तो गलत भी बोलते हैं। आप किस किस को थप्पड़ मारोगे? मिलियंस कमेंट आ रखे होंगे, मिलियंस में से मैं कहता हूँ ज्यादा सर परसेंटेज जो ज्यादा होगी वो नेगेटिव कमेंट्स की होगी, ठीक है, वो आते हैं। तो आप किस किस को थप्पड़ मार लोगे? और आज ये वहां जाके ही क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ ये चीज? Yes. क्योंकि उससे पहले भी उनकी काफी वीडियोस भी ऐसे वायरल हैं जहां वो किसी और के साथ डांस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उस चीज पे क्यों नहीं एक्शन लिया गया, जबकि वहां जाके बिग बॉस में जाके लिया गया। हाँ, कुछ तो ऐसी वीडियोस हैं, खुद था ये उनका अपना मतलब, एक तो उन्होंने मौका मिला उसे, हाँ, उसने खुद बहाना ढूंढा और उसको किया, वो उसका लोग भी बोलते हैं उसका क्रिएटिव माइंड है इन चीजों में, हाँ। कि अपने आप को कैसे ऊपर लाऊं मैं, नेगेटिव पॉजिटिव जैसे भी करके, बस वो चीजें सोचते हैं। तो हम हमें इन चीजों में और लोग जो है ना रोक लेते हैं खुद को कि यार नहीं यार किसी को बुरा करके आगे क्या बढ़ना, वो इन चीजों को यूज करते हैं मेरे हिसाब से। तो इसी चीज से क्वेश्चन आपने एक वीडियो पे उनको रिवर्ट बैक दिया था, जिसमें आई गेस सनी सर पता नहीं थे या नहीं, बट आप थे शायद, आप दोनों थे, वेयर रूप मैम सेड कि इसने तो दो से ज्यादा शादियां करी हैं अरमान ने, तो वो उस बात में कितनी सच्चाई है? वो हम तो श्योर नहीं है, हमने भी सुना है, ठीक है, हमने भी सुना है, हमें खुद कृतिका और पायल ने खुद, हाँ, बोला, खुद बोला है अपने मुंह से कि पहले हमारे हस्बैंड की ऐसे शादी हो रखी थी और शायद बच्चे भी थे, पता नहीं, हाँ, बच्चे भी थे, उन्होंने बोल बच्चे भी थे, हाँ, बच्चे भी थे, उन्होंने खुद उनका उनका व्लॉग है ये, हाँ, उन्होंने अपने व्लॉग में बोला, रिवील किया, क्योंकि शायद उसकी सिस्टर ने या किसी ने कुछ, मुझे ये नहीं पता, मैं श्योर नहीं हूँ इस बात को लेकर, किसी के साथ इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी जिसका इन्होंने रिप्लाई किया था, ये श्योर हूँ कि उसने वीडियो में उन्होंने ये बोला था कि इनकी शादी हो रखी थी, तब ये इनकी एज कम थी, बच्चे थे, इनको एज 15-16 साल थी, ये वो इनका बॉन्ड नहीं बना तो छोड़ दिया, तो ये अलग हो गए, कल को मेरे साथ नहीं बनेगा तो मेरे से अलग हो जाएंगे, अपनी जिंदगी है तो अलग हो गए, हाँ, वो कहती मेरे साथ नहीं बनेगा तो मैं अलग जाऊंगी, कृतिका ने शायद बोला, पायल ने बोला मेरे साथ नहीं बनेगा तो मैं अलग जाऊंगी, तो मतलब ऐसा, ये हम हमने नहीं बोला, ये खुद बोला, खुद इस बात की श्योरिटी दी है कि ऐसा हुआ था, तभी हमने बोला ये चीज। तो अरमान सर बिग बॉस से आए तो उनको ये ऑब्वियसली वो सब चीज़ें देखेंगे, तो अगर एक लाइन में या दो लाइन में अगर आप उनको बोलना चाहो कुछ कि आपने वहाँ पे कुछ किया जो भारती वाले सीन था या बिग बॉस में आपकी बातें की, तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे? मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई देख, आप अपनी लाइफ जी रहे हो, किसी टाइम पे मैंने उनको मैसेज किया, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, वो गलत बात नहीं थी, वो अच्छी बात थी, वो आपकी लाइफ है, आपको अच्छा नहीं लगता मेरे साथ काम करना, आपने ना बोल दिया, मुझे नहीं लगेगा, मतलब ना भी नहीं बोला, आपने रिप्लाई नहीं किया, मुझे भी नहीं लगेगा, मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप किसी को कुछ बोलते हो, किसी को भी, ABCD किसी को भी, बोलने से पहले आप अपनी तरफ जरूर नजर डालना कि भाई मुझे बोलना चाहिए, मेरी क्या लाइफ है या मेरी क्या सिचुएशन है, मेरी भी दो बीवियां, मेरी दो बीवियां कैसे बनी है, ये चीजें सोचने के बाद बोलो और अपनी वाइफ्स को भी समझानी चाहिए। और हमारी मूवी देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि हमारा क्या स्टोरी रही है और आपकी क्या स्टोरी रही है, देन आप कंपैरिजन करना, फिर आप हमें बोलना, देन हम जवाब देने के लिए बैठे हैं। फिर ग्रेट, नाइस। अब लास्ट में इस पूरे टॉपिक को वाइंड अप करते हुए बस एक बार मैं पूछूंगी कि आपके फैमिली और अरमान सर की फैमिली कैसे एक दूसरे से अलग है, मतलब कैसे अलग है? देखो मैं तो नहीं जानता कि अलग हूँ या एक हूँ, मैं उनको ज्यादा टारगेट, क्योंकि तीन बीवी आप, मतलब सॉरी, तीन कपल एक टाइप में आप भी हो, वो भी हैं, तो आप उनकी फैमिली से अलग क्यों? अलग ऐसा है कि हम फर्स्टली हम प्लान करके यूट्यूब पे नहीं आए, वो पहले ही इसी लाइन में थे, फर्स्ट हम यहाँ से अलग हो जाते हैं। सेकंड ऐसा नहीं है कि मेरे घर में वाइफ रूप थी और मानसी हमारे घर में एज अ गेस्ट आई तो ऐसे ऐसे शादी होगी, या हमारी कोई दो शादी प्लानिंग, या मुझे सात दिन में पहली से शादी कर ली, फिर 7 दिनों में ही मैंने दूसरी से शादी कर ली, ऐसा भी हमारा कुछ नहीं हो रखा, प्लान नहीं था। और तीसरी बात है कि हमने जब अपना स्टार्ट किया, हमने कॉमेडी से किया था,
हमने ऐसा नहीं कि जिम में हमने टाइट कपड़े डलवाए अपनी वाइफ को, अभी हम भी जाते हैं जिम, आप हमारी वीडियो देखोगे उसमें अभी तक हमने तो एक दो वीडियो डाली होंगी, लेकिन ऐसा नहीं कि टाइट कपड़े पहन वल्गैरिटी शो नहीं की, हमने शो नहीं की, हम जिम को जिम की तरह यूज कर रहे हैं, ठीक है। जब हमारी बॉडी में अगर कुछ पार्ट चेंज आएंगे कि हम ऐसे थे ऐसे होंगे, वो अलग बात होती है, लेकिन उसको हमने ऐसे कंटेंट के लिए यूज नहीं किया, तो ऐसा वो चीजें हमसे अलग है, वो अपनी लाइफ जी रहे हैं, बाकी हम अपनी लाइफ जी रहे हैं, बाकी उनका कंटेंट और हमारा कंटेंट तो बहुत ही अलग है। हम अगर कोई प्रैंक भी करते हैं या कुछ करते हैं ना, हम उसको रिवील भी साथ के साथ कर देते हैं, हम लंबा नहीं खींचते, उन्होंने जो स्टार्टिंग उन्होंने हम बहुत लंबा खींचने के बाद ना हमें भी पता ऑडियंस जुड़ जाएगी कि यार इसके बाद क्या होगा, एक सस्पेंस क्रिएट हो जाता है ना कि इसके बाद इनका झगड़ा होगा, अब क्या हुआ होगा, फिर हम डाल दें एक वीडियो बनाकर, अभी फिर छोड़ दें सस्पेंस पर लाकर, हमने ऐसा नहीं, हमारा बना नहीं ऐसा, हमसे झगड़ा ही नहीं हो पा रहा ज्यादा टाइम के लिए, तो हमसे जितना होता है करके वो हो जाते हैं। मैं झगड़ा करते करते ना हर बार, मतलब मेरा क्या होता है कि मैं अगर कर रही हूँ, इन्होंने मेरे को बोल दिया कि हमने ये वाला प्रैंक करना है, तो मैं ना हंस पड़ती हूँ और मुझे देख के वो हंस पड़ती है, उसका देख के मैं इसको बोलता हूँ ना तूने इसे ऐसे बोलना है, ये मैं कैसे बोलूं, वो निकलता ही नहीं है। मैंने इसे बोला तू बोल देते तेरे को ऐसे मैं मारूंगी पटाके, ऐसे थप्पड़ मार दूं, कुछ अलग चीज में, हाँ जैसे होता है यूजुअली एक सीन क्रिएट किया जाता है, मैं बोल दूंगी जब ऐसे आंखों में डली होती है फिर कैसे बोलूं। ट्रूथ ऑफ द लाइफ एक्चुअली, हम रियल लाइफ जी रहे हैं यार, हम कोशिश करते हैं कुछ फेक करने की तो उसमें हम फेल हो जाते हैं, तो शायद इसी कारण हम थोड़ा सा उस स्पीड में हम नहीं बढ़ पा रहे हैं, अगर हम वो जो चीजें उन्होंने वो फेक बहुत करते हैं, जैसे कि थप्पड़ मारना, हाँ। तो आपने वो ऐसी चीजें बहुत करते हैं, हम इन चीजों से थोड़ा अवॉइड कर लेते हैं, रुक जाते हैं कि यार बस यार नहीं हो पाता, हम रियलिटी में ही चल रहे हैं अपने, अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए, मतलब आप सच में एक ऑनेस्टी और एक ऐसे पाथ पे चल रहे हो जिसमें आप कंट्रोवर्सी चाहते नहीं, नहीं चाहते, वो रियलिटी है। नाइस, तो अब क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ रैंडम क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी, आपने इशारा करना है कि यू कैन पुल योर चीक्स आल्सो, किसी किस कौन करता है ऐसा काम, ठीक है, आपने चीक्स पुल करना है उसके जो भी ऐसा काम करता होगा, ठीक है, क्विकली आंसर देना है, घर पे कंजूस कौन है सबसे ज्यादा? मेरा भी बड़ी दूर है। अच्छा ओके, खाना टेस्टी कौन बनाता है? सो स्वीट, रोमांटिक कौन है सबसे ज्यादा? कोई भी नहीं यार, ये तो गलत है, एक बताना तो पड़ेगा। पकड़ेगी, चलो बढ़िया, आलसी कौन है सबसे ज्यादा? ये तो बिल्कुल बिल्कुल 100% है। घर पे चलती किसकी है? हमारी सास है ये। और खर्चा कौन करता है सबसे ज्यादा? खर्चा खर्चा भी यही करते हैं, इन्हीं पे ही करता हूँ, ये भी रियलिटी है, ये चीज है कि आएगा पता क्या कैसे, ये खर्चे वाला थोड़ा सा थोड़ा लंबा खींचूंगा थोड़ा सा, मैं कोई ये मेरे पास ड्रेस लाएंगे, वो ड्रेस का प्राइस इतना है यानी कि लो है, फॉर एग्जांपल लगा लो 500 है, तो मैं यार छोड़ो ये देखो ये 1200 की है ये ले लो, तो ये फिर ये मुझे बोल देते इतना खर्चा क्यों कर रहे हो उसमें, हम जैसे जाएंगे नहीं यार ले ले लो। एक्चुअली हम लोग ना थोड़ा ये है कि हम लोग कंजूस है, फिर हम लोग अगर पैसा बचाते हैं ना फिर हम वही पैसा ना इनको ब्याज पे देते हैं। हाँ ये भी होता है, मुझे 20,000 रुपये उन्होंने दिया था बदले में, दो मंथ के लिए उधारा तो 70,000 लिया था। नाइस, चलो रैंडम क्वेश्चन तो हुए, अब सनी सर से मैं एक बात पूछूंगी, पूरा सच सच से जवाब देना है ना, प्यार किससे करते सबसे ज्यादा? सच दिल से बोलूँ ना, मैं इनसे भी ये बात कभी कभी डिस्कस करते हैं, मैं बोलता रहता हूँ, मैं मुझे यही नहीं पता मैं तेरे को प्यार करता हूँ ये करता हूँ, मुझे ये पता है कि तुम दोनों ही मेरी फैमिली हो, ठीक है, मुझे तुम दोनों के साथ ही जीना है जब तक मेरी ज़िंदगी है, सो मेरा प्यार यही है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं बस अपनी फैमिली को पूरी के साथ रहना, हम तीनों ही एक दूसरे को प्यार करते हैं, और ये कभी हुआ नहीं, ऐसा नहीं कि ये नाराज़ हो जाएगी मैं बोल दूँ कि मानसी मैं तेरे से ज़्यादा प्यार करता हूँ या ये नाराज़ हो जाएगी, नाराज़गी वाली बात ही नहीं, जब फैमिली में एक साथ रह रहे हो तो प्यार भी एक जैसा ही है। बिल्कुल, दो शादियों का फ़ायदा या नुकसान? नुकसान है, तो नुकसान। चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक गाइडेंस आप कोई दो शादियों के लिए हमारे ऑडियंस को देना चाहो कि करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए या कैसी लाइफ काटनी चाहिए? हम बोले नहीं करनी चाहिए। देखो अगर तो मैंने ये पहले भी शायद बोला पॉडकास्ट में, जिस बंदे में हिम्मत है
कि वो पूरे संसार को समाज को छोड़ सकता है, पहली ये। सेकंड, जिस बंदे में हिम्मत है कि वो मर सकता है, 6 महीने के अंदर सुसाइड करने की हिम्मत है, सुसाइड नहीं भी करेगा अटैक ही हो जाते हैं, जितनी टेंशन बंदे को हो जाती है ना, यहाँ एक वजन बन जाता है जो हमारे भी किसी टाइम पे हुआ था, वो चीज़ों को सहन करने की हिम्मत है, वैसे होती नहीं इतनी हिम्मत, वो जिसको मरने की हिम्मत है वो कर ले यार शादी, 2 शादियाँ, फैमिली छोड़ जाती है। मैं आज बोल रहा हूँ मुझे क्या क्या नुकसान हुए हैं, पहले तो मैं भी मरने तक गया था कोई ऐसी नो डाउट, लेकिन वहाँ से निकल गया हूँ। आज मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं बोलते, इसके नहीं बोलते, इसके नहीं बोलते, इस दुनिया में 3 लोग ही आपस में जी रहे हैं। सो यार नुकसान ही है, ऐसा नहीं है कि एक बंदों के लिए आप 1000 बंदों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, ये गलती मत करना। थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली वर्ड्स। बस एक एस्ट्रोलॉजी सेशन में लास्ट में आपके साथ करना चाहती हूँ, अगर इफ यू कैन गिव मी द परमिशन। जी 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 बिल्कुल मैम। अपने अपनी चलो डेट ऑफ बर्थ तो आप पूरी बताओगे नहीं ऑन द कैमरा, बर्थडे आप मुझे बता दो तो आई कैन टेल यू समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आपका नेचर आई विल एक्सप्लेन, आप बताना कितना मैं आपसे रिलेट कर पा रही हूँ। ओके, पहले रूप नाम बता दे। 17 सितंबर। 17th of September, शनि प्लैनेट। शनि प्लैनेट मैम एक ऐसा होता है वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो सोचा होता है वो करना होता है, अपनी मनमानी वो करके ही रहेंगे चाहे वो कुछ भी कर लें, ठीक है। सो वो तो बोलते हैं चाहे दुनिया उलट पुलट हो जाए बट जो उन्होंने काम करना है वो करना ही है, डंके की चोट पे करना है, बट यस यू आर द बैकबोन ऑफ योर फैमिली और वो हमेशा बन के रहोगे। तो सही किया रिलेट। वो आप ऑडियंस को बता दो। यस, क्योंकि मैंने जो बोला है ना वो बोल दिया। हाँ। ये इनको भी पता है कि मैं इस चीज में स्ट्रेट हूँ। बाकी बैकबोन की बात करें तो अगर ये एग्री हुई है हमारी फैमिली तभी साथ चल रही है। हाँ। तो ये सच में बैकबोन बन के ही खड़ी है। मैंने पुलिस के भी इतने सारे किस्से बताए थे, तो उस किस्सों में अगर इसने बोला था कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे ये एक्सेप्ट है, मैं मेरी मर्जी से हो रहा है, तो यही बैकबोन थी तब भी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी तक है ही बैकबोन, यही बन कर रही है। और आपकी बर्थ? 26 जून। 26 जून, ठीक है। लाइक आप भी शनि हो तब तो इनकी तरह ही हो आप बिल्कुल, है ना, पर्सनालिटी आपकी भी वही है, धाकड़, अपनी मनमानी करना, सब कुछ जो सोच लिया वैसे ही करना, एग्रेशन भी होता है शनि वाले लोगों पे, बट शनि वाले लोग ना थोड़े इमोशनली मतलब मुझे लगता है स्ट्रांग होते हैं, वो कंट्रोल करके रखते हैं, वो इमोशन बह नहीं जाते कि रोना वो ना ये सब कुछ कि सैड हो गया जिंदगी बर्बाद होगी, वैसे ही नहीं है। और जैसे आप 2 और 6 हो, इमोशनल आप कहीं ना कहीं होंगे बट शनि आपको वो स्ट्रांग बना देता है, लाइफ में स्ट्रगल भी आपके बहुत आएगा या जा चुका होगा, टचवुड आगे आप फेस ना करो, बट येस अगेन आप इनकी तरह अपनी फैमिली का एक बैकबोन बनोगे और टुगेदर यू गोना हैव अ वेरी गुड, बट आप दोनों की लड़ाई वड़ाई मुझे लगता है ज्यादा होगी क्योंकि आप दोनों का एक ही नेचर है। हाँ, होती है, अभी भी कई बार हो जाती है, बहस हो जाती है। हाँ वही लड़ाई मारेंगे थोड़ी ना, मैं बोलती हूँ मैं सही हूँ, ये बोलते हैं मैं सही हूँ, तो उस चीज पे हो जाता है और वो दोनों अड़े रहेंगे। हाँ, वो एक बोलता ना झुक जाए थोड़ा, वो तभी तो आप दोनों की पर्सनालिटी सेम है ना, दैट्स व्हाई। और मैम आपकी डेट ऑफ बर्थ? 12 12। वैसे मेरी मम्मी की मैरिज, मेरे मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी भी सेम है, यू आर वेरी लकी, तभी तो उनकी शादी भी इसमें हुई है, तो उनका तो रिलेशनशिप टचवुड बहुत अच्छा है। तो पहले तो यू आर बॉर्न एंड बॉटम सेलिब्रिटी, आप किसी भी सेलिब्रिटी को देख लोगे उनका डेट और उनका मंथ सेम ही होगा लगभग, और वो एक बहुत ऊंची पोस्ट पे पहुंच सकते हैं, ये पहुंचने वाले हैं, ये पहुंच जा मतलब बहुत कुछ देखेंगे यार वो अपनी लाइफ में। तो आप प्लीज ये मत सोचना कि आप कभी ऐसे ही रह जाओगे, जितना ये दोनों नहीं करेंगे ना आप उनसे ज्यादा बड़ा करके दोगे, लोग आपको इनके नाम से जानेंगे, ठीक है ना, और आप इतना बड़ा कुछ करोगे कि आपको ना आगे मतलब ऐसा लगेगा कि यार मैंने रखा हुआ है इनको, ठीक है ना। तो मतलब बहुत कुछ होने वाला है जिसमें आप बहुत ऊंचे लेवल पे, शायद आपको एक एक्ट्रेस बनने का मौका भी मिल सकता है, इफ यू कैन ट्राई फॉर दैट, बिकॉज जो बॉलीवुड है उसमें सेलिब्रिटी बनना, टीवीज में आना, उनकी डेट ऑफ बर्थ को रिलेट करना, वो डेट और मंथ सेम दिखाता है, तो उनको फैशन, इनको टीवी सीरियल्स या बॉलीवुड इन लाइन में जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो आपको इस चीज में ट्राई करना चाहिए अगर आप कर सकते हो तो, बिकॉज उसमें आप बहुत आगे जाओगे आई गेस, सो यू कैन गो फॉर दैट। और नेचर की बात करूं तो या आपका रूलिंग प्लैनेट आता है जुपिटर, जुपिटर यानी कि बृहस्पति, स्ट्रगल भी रहा होगा, मतलब आप एकदम नहीं अभी अपने करियर में ग्रोथ पकड़ लोगे, एकदम चीजें नहीं होंगी, बट जब होंगी ना तो दुनिया याद रखेगी, आपके पार्टनर्स भी याद रखेंगे आपको, तभी मैंने बोला है कि आपको एक चीज करनी है, मेरी छोटी सी रेमेडी आपको बताऊंगी जो बृहस्पति लोगों के लिए बहुत बिलीव करनी भी चाहिए उनको, और अगर वो बिलीव करते तो गॉड पे उनको ये करना भी चाहिए। येलो कलर का टीका अपने दोनों आईब्रोज के बीच में लगा के रखे, येलो कलर का, ठीक है। और लक्ष्मी नारायण जी को पूछना बिल्कुल ना पूछे, वो आपके लिए सबसे बेस्ट, घर पे राम दरबार रखिए, सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए।
ठीक है। थैंक यू जी वेरी मच, क्योंकि मेरी मेरी तो दोनों ही बैकबोन है, अगर इन दोनों को ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। मैं वही तो बोल रही हूँ कि वो आपके लिए अलग लेवल है, बिकॉज जो 8 नंबर है और इनमें राहु भी कहीं ना कहीं इंक्लूड हो रहा है, तो ये ऑनलाइन चीजें ही दिखाता है और वो तो सेलिब्रिटी पैदा हुई है, तो आप तो फिर काम पहुंच जाएंगे। मैं वही तो बोल रही हूँ, आपको जानने के इनके नाम से यूट्यूब पे भी हूँ, अगर लोग बोल देते हैं कि यार ये तो बीवी के सर पे चल रहा है तो भाई चल रहा हूँ। हाँ, और फिर शर्माना नहीं चाहिए, मेरी है तो उनके सर में, अपनी वाइफ के सर पे चल रहा हूँ, मुझे सो स्वीट। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पे आए और अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला। आई विश आप बहुत तरक्की पे जाओ और हमें याद रखना है ना। नहीं नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं आपके, मेरे ख्याल फर्स्ट टाइम ही आपकी पॉडकास्ट पे रिवील कर। चलो मिलते हैं, आप फिर इकट्ठे मिलेंगे हम यहाँ पे, है ना। ग्रेट, थैंक यू सो मच।